की भागवत सप्ताह महामहोत्सव की श्री वृंदावन धाम की हरे कृष्ण। नमोयम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। धेयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। धेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 सेवा के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का चतुर्थ दिवस है। आज के कथा में हम लोग जगत के तारक करुणा वरुणालय जो अकारण करुणा जीवों पर करते हैं, भगवान परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर के जन्म की कथा को हम लोग आज सुनेंगे। आज भगवान किस प्रकार
इस बद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर अपने गोलोक वृंदावन धाम को छोड़ करके भगवान आए, इन सब प्रसंगों को हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। वास्तव में भगवान हम सभी जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। भगवान कल्याण करने के लिए ही, उद्धार करने के लिए ही इस संसार में आते हैं। तो वास्तव में वह व्यक्ति, वह जीव सौभाग्यशाली है जो मानव शरीर प्राप्त करके भगवान श्री हरि के कथा सुनने के लिए आता है। उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है, सफल माना जाता है। हम उस व्यक्ति को विशेष धन्यवाद देते हैं जो भगवान के गुण लीला कथा सुनता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि कानों के द्वारा नहीं सुनता है, लेकिन उसी व्यक्ति की कान सार्थक मानी जाती है जो अपने कान के द्वारा केवल भगवत संबंधित चर्चा का श्रवण करता है। मुख की सार्थकता उसी में है जो व्यक्ति अपने मुख से भगवत नाम का उच्चारण करता है। देखिए, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, माया का ऐसा प्रभाव है कि हम लोग देख करके भी नहीं देखते हैं, सुन करके भी नहीं सुनते हैं कि जीव प्रतिदिन मृत्यु के ओर बढ़ रहा है। हम लोग मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण हम लोग काल की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। एक संत वृंदावन में कल शरीर का त्याग किए, उनका उम्र ज्यादा नहीं था, केवल 54 वर्ष का उम्र था, प्रसिद्ध भजन के गायक। तो देखिए, ये सब देख करके सुन करके हम लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन जो भगवान के विषय में गाते हुए, भगवान के विषय में सुनते हुए, भगवान के विषय में प्रचार करते हुए जो अपने शरीर का त्याग करता है, वो भगवान के चरण को प्राप्त करता है, उसका जीवन सार्थक माना जाता है। भले ही वो कम उम्र में अपने शरीर का त्याग कर दे, लेकिन वही जीवन प्राप्त करने का असली सौभाग्य प्राप्त किया। जो बहुत वर्षों तक जीवित रहे लेकिन भगवान के विषय में नहीं सोचा, भगवान का प्रचार नहीं किया, जन जन में भगवान को नहीं बताया, तो समझिए उसका जीवन व्यर्थ है, केवल भार ढोता रहा पशुओं की तरह। जैसे पशु बहुत भार ढोते हैं, लेकिन उस भार ढोने से क्या फायदा है, क्या लाभ है। तो हम लोगों को बिल्कुल अपने जीवन को समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन किसके लिए मिला हुआ है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारे जन्म का क्या उद्देश्य है। आप लोग प्रथम दिन के कथा में सुन रहे थे कि शौनक जी जो भागवत सुनने वाले हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के जो गुरु हैं शौनक जी, नैमिषारण्य एक बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पर भागवत कहने के लिए सुत गोस्वामी आए थे, और सुत गोस्वामी के चरणों में बैठ करके शौनक जी, जो बहुत बड़े विद्वान महात्मा हैं, ऋषि हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, 88,000 ऋषियों के जो गुरु हैं, वो शौनक जी सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, आप कृपा करके हमको यह बताइए कि मनुष्यों का परम उद्देश्य क्या है, मनुष्य इस धरा धाम पर, इस पृथ्वी पर किस लिए आए हैं, क्या खाने के लिए आए हैं, क्या पानी पीने के लिए आए हैं, सोने के लिए आए हैं, भोग भोगने के लिए आए हैं। तो सुत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए इस तरह के बात सुन करके। अगर कोई आचार्य, कोई वैष्णव, कोई गुरु से इस तरह का जिज्ञासा करता है तो गुरु लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जो वास्तव में भक्ति में लगे रहते हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न वही व्यक्ति पूछ सकता है जो भगवान का भक्त है। साधारण व्यक्ति जिनका चित्त, जिनका मन, जिनकी बुद्धि विषयों में लगी हुई है, वह इस तरह का बात नहीं करता, इस तरह का प्रश्न नहीं करता।
तो इस तरह की जिज्ञासा को सुन करके परम सौम्य स्वभाव वाले शुद्ध गोस्वामी जी प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे 88,000 ऋषियों के गुरु शौनक जी, आप बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और वास्तव में मनुष्यों का जन्म केवल 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 भगवान के प्रचार, भगवान के भक्ति, भगवान के नाम लेने के लिए हुआ है। भले हम न समझे, वो हमारी अज्ञानता है, लेकिन हमारी जीवन, हमारा जन्म केवल भगवान के प्रचार के लिए मिला हुआ है। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने धन, अपने बल, अपने जाति, अपने कुल की सार्थकता इसी में है कि हम इस बुद्धि को, इस कुल को, इस ज्ञान को भगवान के प्रचार में लगा दें, जितना हो सके। सारे विश्व, सारे संसार में जिसकी जितनी शक्ति है, अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का प्रचार करना चाहिए। तो मैं इसलिए इस बात को बोलने लगा कि जीवन बहुत तेज गति से समाप्त हो रहा है, हम मृत्यु के ओर बढ़ रहे हैं। जो हम यहाँ आए अभी मंच पर बैठने के लिए, उस समय मैं जो था वो अब नहीं हूँ, अब बूढ़ा हो गया, अब काल की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक मिनट हम काल के तरफ बढ़ रहे हैं, और काल ऐसे अपने मुख को फैला करके बैठा हुआ है, किसी के पैर पकड़ लिया है, किसी के कमर तक पकड़ लिया है, किसी के यहाँ तक पकड़ लिया है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। और जब पूरे शरीर को ग्रसता है तब कहते हैं वो मर गया, लेकिन वो प्रत्येक क्षण मर रहा है, प्रत्येक क्षण काल की ओर भाग रहा है। तो इसको हमको हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और इसी को बताने के लिए हम वैष्णव लोग आते हैं। गुरु के आदेशानुसार हम लोग जा करके प्रचार करते हैं, बताते हैं कि तुम जग जाओ, जग जाओ, क्योंकि सोने से काम चलने वाला नहीं है, सोना नहीं है, जगना है। कोई कहता है कि मैं तो जगा हूँ, आप जगे नहीं हैं, आप सोए हैं। जगना तब माना जाएगा कि जब आप जब देखो, जब उठो, जब सो, जब कहीं चलो, तो केवल चित्त में कृष्ण दिखाई दे। जहां भी जाएं, कहीं मार्केट में जाएं, कहीं बाजार में जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं, प्लेन में जाएं, ट्रेन में जाएं, साइकिल पर जाएं, पैदल जाएं, जंगल में रहें, शहर में रहें, खेत में रहें, गांव में रहें, कहीं भी रहें, केवल कृष्ण के लिए हम व्याकुल रहें। हमारे श्याम सुंदर की कैसे सेवा होगी, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कितना सुंदर मंदिर बना सकते हैं, कितने सुंदर ढंग से उनके लिए वस्त्र बना सकते हैं, कैसे मैं भगवान के भक्ति में लोगों को जोड़ सकूं, इस तरह की भावना जिसके मन में है उसी का जीवन सार्थक माना जाता है, और वही भगवान के प्यारों में आता है। भगवान ऐसे ही भक्तों की याद करते हैं, भगवान ऐसे ही भक्तों के नाम को जपते हैं, भगवान ऐसे ही भक्तों को दिन रात स्मरण करते रहते हैं। एक बार की बात है, नारद जी हनुमान जी के पास में आए, और हनुमान जी सदैव भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान के विषय में ही हनुमान जी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, राम की सेवा कैसे करूं, कृष्ण की सेवा कैसे करूं, इस भाव में रहते हैं। उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी आ करके हनुमान जी से कहते हैं कि अरे हनुमान, आप इतना भजन करते हो, जब देखो तब भगवान का ही स्मरण करते हो, तो आज हम लोग यह पता लगाते हैं कि आप बड़े भक्तों में हैं कि मैं बड़ा भक्त में हूँ। कौन कहते हैं? नारद जी। तो हनुमान जी कहे, अरे इसमें क्या पता लगाना है, आप हमसे बड़े हैं। कहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़े मान लूंगा कि मैं बड़ा हूं, प्रमाणिक हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो हनुमान जी कहे, नहीं नहीं, आपको मैं प्रमाणिक बताता हूँ कि आप हमसे महान हैं। तो नारद जी कहे, ना चलना चाहिए, हम लोग पूछते हैं कि हम दोनों में अथवा सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो हनुमान जी बिल्कुल जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनका मन कृष्ण के भक्ति में लगा हुआ था, भजन कर रहे थे। मैं कृष्ण कह रहा हूं तब राम को समझ लेना, राम
कि भक्ति करे कृष्ण के भक्ति करे, दोनों एक ही है, लेकिन युग के अनुसार त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, और वास्तव में पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तो हनुमान जी भगवान के नाम का जप कर रहे थे तो नारद जी कहे कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं मानूंगा। तो नारद जी जबरदस्ती हनुमान जी को पकड़ करके ले गए जहां लिस्ट वैष्णवों का बना हुआ था कि सबसे महान भक्त कौन है। तो जब लिस्ट देखना प्रारंभ किए तो सबसे प्रथम लिस्ट में नारद जी का नाम था, लेकिन उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। तो नारद जी मुस्कुराए, कहे कि देखो मैं तो प्रथम श्रेणी का हूँ, लेकिन हनुमान प्रथम में नहीं, चलो दूसरा लिस्ट देख लेते हैं, द्वितीय श्रेणी वाला। तो जब द्वितीय श्रेणी वाला लिस्ट में नाम देखना प्रारंभ किए तो उसमें भी हनुमान जी का नाम नहीं था। तो नारद जी कहे कि ऐसा तो कमजोर हनुमान है नहीं, प्रथम में नहीं है, दूसरा में नहीं है, चलो शायद इसका मन उतना लगता नहीं होगा भगवान के भजन में, केवल ऐसे दिखाता रहता है, चलो तीसरा में शायद होगा। तो तृतीय श्रेणी वाला जब लिस्ट देखे तो उसमें भी हनुमान जी का नाम नहीं था। तो अब नारद जी कहीं करे, ये तो इतना कमजोर नहीं ना है कि फेल कर जाएगा। और नारद जी को खुद टेंशन है, अरे भाई बात क्या है। तो नारद जी कहे कि अरे हनुमान अब हम लोग चलते हैं भगवान के पास। तो हनुमान जी कहे कि अब आप क्यों जाना चाहते हैं, आप तो प्रथम है ना, आप प्रसन्न रहिए, हमको जप करने दीजिए, अभी हमारी 16 माला पूरी नहीं हुई है, अभी हमको जप माला करना है। तो नारद जी जबरदस्ती पकड़ करके हनुमान को भगवान के पास लेकर के गए जहाँ भगवान बैठे थे। और जब भगवान के पास गए तो हनुमान जी संकोच कर रहे हैं, उनको बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं कि कौन महान है, ये सब जानना चाहते ही नहीं है। लेकिन नारद जी जबरदस्ती एकदम लेकर के भगवान के पास गए। हनुमान जी संकोच कर अपने सिर को झुकाए हुए हैं, साइड में खड़े हैं भगवान को प्रणाम करके। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, हम लोग आपके पास आए हैं। तो भगवान कहे अच्छा बताओ कैसे आए हो, भगवान तो सब समझ रहे थे लेकिन पूछे कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहे कि हम लोग इसलिए आए कि मेरे मन में जिज्ञासा हुआ कि वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इसको जानने के लिए आए। तो मैं लिस्ट देखा, प्रथम श्रेणी में मेरा नाम है। तो भगवान कहे अच्छा प्रथम श्रेणी में है, और दूसरे में भी हनुमान का नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो प्रभु बताइए, दिन रात केवल राम राम करता रहता है लेकिन बढ़िया से अच्छा से भजन नहीं करता है क्या, फेल कर गया है, इनका किस श्रेणी में नाम है। तो भगवान कहे कि अच्छा हनुमान के विषय में जानना चाहते हो, तो हाँ। तो भगवान तुरंत अपने आसन से जहाँ भगवान हमेशा सोते हैं बैठते हैं वहाँ से एक लिस्ट निकाले, एक लिस्ट भगवान के पास था। जब उस लिस्ट को निकाले तो उसमें हनुमान का नाम है, उसमें अर्जुन जी का नाम है, उसमें उद्धव जी का नाम है, ऐसे वैष्णवों का नाम था। और भगवान कहे कि नारद, अन्य भक्त लोग मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मेरे नाम को जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मैं इन भक्तों का नाम जपता हूँ, हनुमान हनुमान, उद्धव उद्धव, अर्जुन अर्जुन, इस प्रकार ऐसे वैष्णवों का नाम मैं जपता हूँ, प्रहलाद प्रहलाद, ध्रुव ध्रुव, ऐसे वैष्णवों का नाम मैं जपता हूँ। इतना सुनते ही नारद जी बिल्कुल लज्जित हो गए। फिर भी हनुमान एकदम प्रसन्न नहीं है कि मैं बहुत अच्छा मेरा नाम आ गया भगवान के लिस्ट में मैं हूँ। जब उधर से हनुमान जी और नारद जी चले तो नारद बिल्कुल उदास। तो हनुमान जी कहे कि नारद जी आप इतना उदास क्यों हैं। कहे कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मुझे बहुत घमंड था कि मैं प्रथम श्रेणी का भक्त हूँ, लेकिन भगवान के दृष्टि में तो मैं हूँ ही नहीं। तो हनुमान जी कहे नहीं नहीं, आप लिस्ट को अच्छे तरह से नहीं देखे, आप केवल ऊपर ऊपर वाला देख लिए, आप नहीं देखे उसमें आपका भी नाम था, भगवान छिपाए हुए थे, भगवान छिपाए थे आपके घमंड को दूर करने के लिए,
लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप और हम सब भगवान के प्रिय हैं, भगवान हमारे प्रिय हैं। तो इस तरह हम लोगों को होना चाहिए कि भगवान के प्यारे हम बन सके। भगवान जिस दिन हम लोगों को अपना मान लेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और भगवान कब अपना मानेंगे, जब उनको हम अपने हृदय में धारण करेंगे तभी ना। ऐसे तो भगवान सबको अपना मानते हैं, लेकिन हम लोगों को इतनी भक्ति करनी चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कम से कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते, मालूम है कि ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उतना तो भजन कीजिए जितना अपने बेटा से प्रेम करते हैं, जितना अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, जितना अपने पिता माता से प्रेम करते हैं। अरे आप ज़्यादा मत दो भगवान के लिए, लेकिन उतना तो दीजिए। साल में उनको 10 कपड़ा मत सिलवाइए, जिस दिन कृष्ण का जन्म होता है उस दिन तो एक कपड़ा भगवान को दे देना चाहिए, है कि नहीं। जिस दिन भगवान का विवाह हो रहा है उस दिन तो कुछ दे देना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए ना व्यक्ति को। अपने लिए तो बाजार में जाएंगे, जो सुंदर बाजार में मार्केट में साड़ी, पुरुषों के लिए क्या है शर्ट पैंट, ये सब हम पहनते नहीं है इसलिए हमको नाम जल्दी नहीं आता, कुर्ता धोती, अपने लिए बहुत सुंदर घड़ी खरीदते हैं, खूब सुंदर गहना खरीदते हैं, क्या क्या माता जी लोग गहना धारण करती हैं, पुरुष लोग भी करते हैं, क्यों? अपने लिए। लेकिन अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब उनको आप अपना नहीं मानते हैं, है कि नहीं। भगवान के लिए अच्छी वस्तु नहीं लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं लेना चाहते? आपको लगता है कि मैं खरीदूंगा तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मैं इतना मेहनत करके कमाया हूँ उन्हीं के लिए। तो कितनी मूर्खता है, कितनी अज्ञानता है। अगर आप अपने लिस्ट में, अपने मेमोरी में, अपने बुद्धि में इतना बैठा लेंगे कि हमारे सदस्य 5 हैं, उसमें से एक कृष्ण भी हमारे ही घर का बच्चा है, 6वां बना लीजिए उनको, 5 में जितना खर्च लगता है 1 उनको लिए भी रख दीजिए। अगर आप 10 रुपया खर्च कर रहे हैं, 5 सदस्यों में रोज 50 रुपया कर रहे हैं, तो 10 रुपया और बढ़ा लीजिए, 60 रुपया रख लीजिए, क्या अंतर पड़ने वाला है? अगर लिस्ट बना लेंगे कि रोज हम कृष्ण के लिए 10 रुपया अलग रखेंगे, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति रख सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10 रुपया कृष्ण के लिए निकाल सकता है। जितना कितना हो गरीब हो, आज के डेट में कोई गरीब है नहीं, कहने के लिए भले कोई कह दे कि मैं गरीब हूँ, लेकिन कोई गरीब नहीं है। तो अगर 10 रुपया भी अगर निकालता है तो महीना में कितना हो गया? 300 हो गया ना, 300 रुपया महीना हो गया, और एक साल में कितना हुआ? 3600। अगर 100 रुपया 100 आदमी 3600 रुपया निकालिए तो कितना हो गया? कितना हुआ? 3,60,000। और 100 आदमी कह लिए तो 1 भागवत साल में हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है, बताइए हो सकता है कि नहीं? विचार कीजिए, इसमें इतने लोग केवल बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं इतने ही लोग केवल 10-10 रुपए आज से निकालना चालू कर दे, तो अगर हम 30 आदमी हैं तो कितना हो जाएगा, बताइए, विचार कीजिए। और जोर नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि स्पेशल पैसा मांगा जा रहा है, मैं तो 1,00,000 हो जाएगा, बताइए। भागवत कथा कराना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम चाहते नहीं है, हम उसको अपने जीवन में रखना नहीं चाहते हैं, भगवान को अपने केंद्र में रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सब समस्या है। अगर अभी बीमार हो जाए लड़का और डॉक्टर कह दे कि इसमें 3,00,000 रुपया लगेगा तब ये बचेगा, तो उस समय ये नहीं सोचेगा कहाँ से 3,00,000, तो डॉक्टर साहब बचा लीजिए मैं अभी आपको व्यवस्था करता हूँ। डॉक्टर के मुख से कुछ भी निकल जाए वो देना ही है आपको, स्कूल में जाइए पढ़ाने के लिए बिना मतलब के फीस लेते हैं मास्टर, पढ़ाते नहीं है कुछ भी, ये मत समझिए कि पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को केवल कमाना उद्देश्य है। अनेक प्रकार के ऐसी का चाल तो फलान सबको पता है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, पढ़ाई के नाम पर केवल फालतू का। तो भगवान के लिए हमको ये करना क्या दिक्कत है, भगवान के लिए सब करना चाहिए, केंद्र में भगवान को रखना चाहिए। कोई कोई तो ऐसे समर्थवान है कि 10 क्या, वो 50 रुपया भी निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं निकालेगा, कितना हुआ आप कह लीजिए, लेकिन उसको वो रखना ही नहीं है।
क्योंकि भगवान को अपना मानता नहीं है, तो भगवान कैसे आपको अपना मानेंगे बताइए। कितना जबरदस्ती पकड़ करके भगवान अपने पास बुलाएंगे, भगवान तो खड़े हैं अपने पास ले जाने के लिए। अब मैं उदाहरण दूं तो केवल उदाहरण उदाहरण ही, मेरे पास इतनी उदाहरण और कहानियां हैं कि एक धार्मिक राजा थे, वो राजा भगवान के भक्त थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी पत्नी भी भगवान के भक्त थी। तो राजा उदार स्वभाव के थे, भगवान से उनकी डायरेक्ट बात होती थी, डायरेक्ट जैसे हम आप बात करते वैसे वो भगवान से बात करते थे। तो एक दिन भगवान से कहे कि भगवान ठाकुर जी, मैं चाहता हूँ कि प्रजा सभी सुखी रहे, सभी आपके चरण को प्राप्त करे, आनंद को प्राप्त करे। तो भगवान कहे कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, तो प्रभु सब कैसे आपके पास आएंगे, आप सबको सुखी कर दीजिए ना। तो भगवान कहे कि बेटा कोई सुखी होना नहीं चाहता है, मैं तो करने के लिए बैठा हूँ लेकिन कोई होएगा तब ना। तो कहे कि नहीं ऐसे तो बात नहीं है, आप करिए कृपा। तो कहे कि देखो मैं तुमको छूट देता हूँ, भगवान का मंदिर थोड़ी दूरी पर पहाड़ पर थे, थोड़ी दूरी पर। तो भगवान कहे कि देखो तुम सबको मेरे पास लाओ और केवल वो व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा तो उसको मैं सुखी बना दूंगा, अपने चरण में स्थान दे दूंगा, बहुत सुंदर उसके लिए व्यवस्था दूंगा। ध्यान देकर के सुनिएगा सभी लोग, इस उदाहरण को ध्यान दीजिएगा। भगवान कहे कि कोई भी मेरे तक आ जाएगा तो मैं उसको सुखी बनाऊंगा, सुंदर व्यवस्था दूंगा, जीवन में कभी उसको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, मेरे पास ला दो। तो राजा कहेगी ठीक है। अब राजा सबको सूचना दिए, अपने नगर में ढोल बजवाए और सभी लोगों से कहे कि आप सभी भगवान के पास चलो। तो भगवान के पास चलो, सुखी हो जाओगे। तो राजा के कहने से सभी लोग चल दिए, पैदल चले। और कुछ दूर चलते चलते क्या हुआ कि अब भगवान ऐसा व्यवस्था किए कि रास्ता में खूब सुंदर चावल आटा कपड़ा की व्यवस्था कर दीजिए, वहाँ खूब बांट रहे हैं, वो भगवान ही व्यवस्था कर दिए, इतना बांट रहे। अब सब लोग उस कपड़ा को लेने के चक्कर में पड़ गए और भगवान समय दिए थे कि एक दिन के अंदर में मेरे तक पहुँच जाना चाहिए। अब वो लोग कपड़ा और अन्न लेने के फेरे में पड़ गए। वो राजा कहे थे तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, मेरे साथ चलो। कहे नहीं नहीं, हम लोगों के लिए चावल की जरूरत थी, चावल मिल ही गया तो हम क्यों जाएंगे, हमको कपड़ा मिल ही रहा है तो क्यों जाएंगे। वो लोग नहीं गए, भगवान के भक्त राजा जबरदस्ती कुछ मंत्रियों को अपने पत्नी को लेकर आगे बढ़े। तो आगे जाते जाते अब सोना चांदी सब बट रहा है, तो जो उनके मंत्री आदि थे जितना इच्छा उतना बट रहा था, तो वो लोग अब लेने लगे उसके चक्कर में। राजा कहे कि नहीं नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो, आगे चलो, भगवान मिलेंगे, वहाँ बड़ा सुख ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। वे लोग उसी के फेरे में पड़ कर उसी को लेने में, कोई कितना लेगा, एक बार जितना ले सकता है ले सकता है, उतना ही लेने के चक्कर में वो पड़ गए, वो लोग नहीं पड़े। अब रानी को किसी तरह जबरदस्ती पकड़ कर कहे तुम चलो, और चलते चलते तब तक आगे क्या हुआ कि इतना सुंदर बहुमूल्य, जो राजा के पास भी जो रत्न नहीं था, इतना सुंदर रत्न से बना हुआ गहना अब वहाँ बट रहा, तो रानी भी उसके फेरे में पड़ गए। कहीं कहीं तो बड़ा सुंदर है, आप तो आज तक हमको इतना सुंदर रत्न गहना नहीं दिए, जेवर नहीं दिए। अब उसके तो राजा कहते तू क्यों फेरे में पड़ी हो, भगवान अब बस थोड़ी दूरी पाए, चलो ना वहां जाओगी, सुख ही सुख है। कहीं नहीं नहीं आपको जाना है, जाओ, मैं तो बस हमारे लिए मिल गया। फिर इसके बाद में भगवान गए, और भगवान गए तो भगवान राजा गए वहां तो भगवान मुस्कुरा रहे, कहे कि ला दिया सबको। अरे प्रभु कोई नहीं आया, यही तो बात है, तुम कितना हो समझा दो, उसकी खोपड़ी में जो है वही करेगा। तो राजा कहे कि प्रभु इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो सबको देने के लिए सम भाव से बैठे हुए हैं लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है, तो इसमें आपका क्या दोष है। तो हम लोगों को लेना चाहिए, भगवान बिल्कुल उदार हृदय से बैठे हुए हैं। कल हम लोग भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज के चरित्र सुन रहे थे,
प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की ऐसी भक्ति किए, एक निष्ठता के साथ में किए कि असुर कुल में जन्म लेने के बाद में भी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, प्रहलाद के सामने, और भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का वध किए। इसके बाद में प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों में सुंदर ढंग से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहे नहीं नहीं बेटा, तुम मुझसे मांगो। तब तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो आप कृपा करके मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना न हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान हंसते हैं, कहे कि ये कोई मांगना हुआ, तुम इस तरह का वरदान मांग रहे हो? तब कहते प्रभु प्रभु आप देने की बात कर रहे हैं ना, तो आप हमको दीजिए कि मेरे पिताजी नरक में न जाए। तब भगवान और जोर से हंसने लगे, कहे बेटा जिस कुल में तुम जन्म लिए हो, तुम्हारे जैसे परम वैष्णव का जन्म हुआ है, उसके पिता की बात कह रहे हो, उसके 21 कुल का उद्धार हो जाता है। अगर जिसके घर में एक वैष्णव जन्म ले लेता है तो 21 कुल, और 1000 कहते हैं कि 21 कुल पिता का और 21 कुल माता का। अगर कोई ब्रह्मचारी भक्त बन जाए तो 21 कुल पिता के कुल उधार करते हैं और 21 कुल माता के, और 1000 लिखते हैं कि अगर कोई गृहस्थ वैष्णव बन जाए तो वो 21 कुल अपने पत्नी के घर वालों का भी उधार कर देता है। समझ में आ रहा है? 21 कुल माता, 21 कुल पिता और 21 कुल पत्नी ससुराल वालों का भी उधार कर देता है अगर वैष्णव बन जाए तो। ये भक्ति की विशेषता। कहते हैं कि तुम्हारे पिता की क्या बात है, मेरा भी उद्धार तूने कर दिया। कहते हैं कि मेरे लड़का ब्रह्मा, ब्रह्मा के लड़के मरीची, मरीची के लड़के कश्यप, कश्यप के लड़के हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु का लड़का तुम हो। तभी कितना कुल हुआ बताओ बेटा, मेरा भी उद्धार तो कर दिया। भगवान कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि गिनो, मैं, मेरा बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा मरीची, मरीची का कश्यप, कश्यप का हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद। अभी तो 6 ही कुल चल करके आया है। जिसके घर में एक वैष्णव जन्म ले ले, एक कृष्ण भक्त बन जाए, तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, कुल का उद्धार हो जाता है। तो तुम महान भक्त हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी का अधोगति नहीं होगा। एक तरह से भगवान ये करें कि इसका अधोगति कैसे होगा, ये तो मेरा पार्षद है, लीला करने के लिए आया है, 3 जीवन तक केवल रहेगा, इसके बाद तो मेरे चरणों में आ जाएगा। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष भगवान के पार्षद थे। पहले हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बन करके आए, दूसरे जीवन में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जीवन में शिशुपाल और दंतवत, इसके बाद भगवत धाम चले गए, फिर भगवान के पास पहुंच गए। प्रहलाद महाराज फिर भी दुखी है। तो भगवान कहे क्यों दुखी हो? कहे प्रभु मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं। तो भगवान कहे किसके लिए दुखी हो बेटा? कहते हैं संसार वालों के लिए दुखी हूँ। ये कितने विमूढ़ हैं, कितने मूर्ख हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये कितने मूर्ख हैं। वहां कह रहे हैं कि गधे की तरह भार ढोते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, भजन नहीं करते हैं, इतना भार ढोते हैं। वो समझते हैं कि मैं ही परिवार का पालन पोषण करने वाला हूँ। इस पर एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हुए कहते हैं इस प्रसंग में कि एक व्यक्ति था, वो क्या किया कि एक घोड़ा पर बैठ करके जा रहा था। केवल सीधे घोड़ा पर ही नहीं बैठा था, घोड़ा पर 1 क्विंटल चावल रखा था, बोरी में चावल था, घोड़ा घोड़ा के ऊपर चावल और चावल के ऊपर खुद बैठ करके जा रहा था। तो कोई दयालु व्यक्ति देखा तो कहा कि अरे भाई तुमको थोड़ा भी दया नहीं है, जैसे तुम जीव हो वैसे ही घोड़ा भी जीव है,
थोड़ा दया तो करो। तो कहा कि ठीक कह रहा है। अब वो क्या किया कि घोड़ा पर जो चावल रखा था, चावल के ऊपर अपने बैठा था, पहले चावल से अपने उतरा, चावल को नीचे उतारा और उसको दो भाग में किया, 50-50 किलो बनाया। जो 100 किलो का चावल था काटा, उसको दो भाग में कर दिया, 50 किलो और 50 किलो। क्या किया कि घोड़ा के ऊपर 50 किलो चावल का बोरी रख दिया और उस बोरी पर अपने बैठ गया और 50 किलो चावल अपने सिर पर ले लिया और जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं घोड़ा का 50 किलो वजन कम कर दिया, लेकिन कितना मूर्ख है, घोड़ा का वजन कम नहीं किया है, सारा भार किसके ऊपर है, घोड़े के ऊपर, लेकिन मूर्खता बस 50 किलो का भार अपने ऊपर भी लिया है। इसी तरह हम संसार वाले, हम ये सोचते हैं कि 5 लोगों का भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो परिवार का पालन पोषण नहीं होगा, लेकिन वास्तव में सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। भगवान गीता जी में बोले हैं ना कि अहम माने मैं सर्वस्य प्रभव, मैं सबका प्रभु हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। जो ये मानते हैं मुझको कि भगवान ही सबके प्रभु हैं, वो तो बुद्धिमान है, समझदार है। और जो ये मानते हैं कि नहीं नहीं वो सबके प्रभु नहीं है, 5 लोगों का प्रभु मैं हूँ, पत्नी का प्रभु मैं हूँ, पुत्र का प्रभु मैं हूँ, तो उसको कहते हैं कि वो बुद्धा नहीं है, वह मूढ़ा है। वो बुद्धा, बुद्धा माने वो बुद्धिमान नहीं है, वो एक नंबर का मूर्ख है, वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, उसको कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कहते हैं वो गधा है, उसको बिल्कुल समझ में, गधा है ही ना, भार ढो रहा है बिना मतलब का। भगवान करे करने वाला मैं हूँ, अपने को करता मान बैठता है, करता हम इति मन्यते, सबको करता मैं हूँ, सबको खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, हवा मैं देता हूँ। भगवान अगर हवा देना बंद कर दें तो हम लोग मर जाएंगे। भगवान कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े उदार हैं, कितने बड़े दाता हैं कि फ्री में हवा दे रहे। अगर भगवान बिल भेज दे अपना हवा के लिए कि मैं तुमको जब से जन्म लिए हो अब तक श्वास में हवा दे रहा हूँ, थोड़ा ऑक्सीजन का अनुभव कीजिए, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कोरोना पीरियड में आप लोग देखे ना कितनी महंगा ऑक्सीजन मिल रहा था, फिर भी व्यक्ति नहीं बच पा रहे थे। कितना कीमती चीज भगवान हमको दे रहे हैं हवा के रूप में, दे रहे कि नहीं। सूर्य जब नहीं आते, बारिश होने लगती इस बंगलोर में, आज एक भक्त हमसे बता रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु जी इतनी बारिश हो रही थी, आप जब चले गए यहाँ से, अभी मैं आया था एक महीना पहले, कहे कि आप गए थे ना उस समय तो थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन जब आप चले गए तो इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे बार बार इच्छा हो रहा था कब सूर्य दिखाई देंगे, कब सूर्य दिखाई। अगर भगवान भास्कर न उदित हो, सूर्य न उदय हो, केवल बारिश होता रहे, तो आप कितना परेशान हो जाएंगे। भगवान सूर्य के रूप में आते हैं, चंद्रदेव के रूप में आते हैं, इतनी व्यवस्था भगवान की, और भगवान कभी अपना बिल नहीं मांगे, बताइए। तो हम कितना उनके चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और थोड़ा सा उस भगवान को देने में हम सोचते हैं मैं क्यों दूं। अरे सीखो, देना सीखो भैया, आप जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी सीख लीजिए और जो ऑनलाइन के माध्यम से जो कथा सुनते होंगे वो भी सीख लें। याद सबको रखना चाहिए इस बात को कि हमारे सुहृद भगवान है, हमको देने वाले कृष्ण हैं। तो प्रहलाद महाराज बहुत चिंतित हैं, मैंने कि ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ। भगवान कहेंगे तुम कितने प्रिय भक्त हो, मेरे जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे मैं जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ वैसे तुम चाह रहे हो। प्रहलाद तुम धन्य हो, तुम महान हो बेटा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए। और प्रहलाद को भगवान राजा बनाए, पिता के जगह पर उनको राजा बना दिए। कहे कि इस तरह के विचार वाले व्यक्ति को राजा होना चाहिए, चोर को राजा नहीं होना चाहिए। राजा किसको होना चाहिए, जो सबके लिए सोचता हो, जो सबका कल्याण चाहता हो,
जो सबका भलाई चाहता हो, जो सबका हित चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को राजा शासक होना चाहिए। तो आप राजा बन जाओ और प्रहलाद महाराज को राजा बनाए। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर ढंग से राज्य करते हुए भजन किए। उसी प्रहलाद महाराज के लड़के हुए विरोचन जी, और विरोचन के पुत्र बलि महाराज होंगे। अब इधर हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में देखिए मनवंतर का वर्णन है। 14 मनु हुए हैं, मनु 14 हुए हैं। सबसे पहला मनु थे जिनका नाम था स्वयंभू मनु। इसके बाद में दूसरे मनु हुए जिनका नाम है स्वरोचि, और तीसरे मनु का नाम है उत्तम, और चौथा मनु हुए तामस। जो तामस मनु हुए थे उन्हीं के मनवंतर काल में भगवान मनवंतरा अवतार के रूप में भगवान हरि आए थे। और जब भगवान हरि आए तो वही हरि भगवान क्या किए कि गजेंद्र की रक्षा की। हरि भगवान आकर के ग्राह गजेंद्र को पकड़ लिया था, उस समय भगवान हरि आकर के गजेंद्र की रक्षा की। इतना सुन करके महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव किस प्रकार ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा और कैसे भगवान हरि आकर के रक्षा की, अब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब कहते हैं कि देखो एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट, त्रि माने तीन, कुट माने शिखर, तीन शिखर वाला एक पर्वत था। और उस पर्वत की विशेषता यह थी कि उस पर्वत जो तीन शिखर है, एक सोने का था, दूसरे चांदी का था और तीसरा लोहा का था। तो वहाँ पर बहुत सुंदर सरोवर था और उस सरोवर में उस त्रिकुट पर्वत के पास हुआ क्या कि एक बार गजेंद्र अपने परिवार वालों के साथ में वहाँ जा रहा था। वो इतना सुंदर जंगल था, इतना सुंदर वो स्थान था कि वहाँ पर सेध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं सभी लोग प्रायः आया करते थे। वहाँ इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, इतनी सुंदर सुंदर घाटियाँ, इतनी सुंदर आकर्षित जगह था, पुष्प आदि खिले थे कि वहाँ सभी लोग आया करते थे। उस जंगल की विशेषता यह थी कि वहाँ आंवला, महुआ, अशोक, आम, प्याल, कटहर, खजूर, चंदन, नीम, देवदारू, ऐसे ऐसे पवित्र वृक्ष थे, औषधि युक्त जो वृक्ष होते हैं वो थे। और वो इतना सुंदर था कि उसमें सभी लोग आकर के रहा करते थे। उसी में एक कुबेर जी का जंगल भी था, उपवन भी था, इतना सुंदर वो पर्वत था, जगह था। लेकिन उसमें बड़े बड़े पशु पक्षी नहीं रहते थे, छोटे छोटे जीव रहते थे और सब भाग करके अलग रहते थे। तो महाराज परीक्षित पूछे क्यों, तो कहते हैं इसलिए कि उसमें एक गजेंद्र रहता था, उसके भय के कारण छोटे जीव जैसे खरगोश, छोटे छोटे जो पशु थे पक्षी थे वो तो रहते थे लेकिन बड़े नहीं रहते थे। तो हुआ क्या कि गजेंद्र चल करके वहाँ गया, और जब वहाँ पर गया अपने परिवार बच्चों के साथ में गया था, तो पैदल चलने के कारण स्वाभाविक थक गया था, पसीना होने के कारण उसके शरीर में पसीने आ गए थे। जब वहां गया तो सरोवर को देखा, उस सरोवर बहुत सुंदर था, उस सरोवर में नील कमल खिले हुए थे, नीला कमल खिला हुआ था, और नील कमल के कारण उसका जल नीला दिखाई देता था। कोई कोई जल नीला दिखाई देता है, स्वाभाविक वो नीला, वो गंध युक्त जल था, उस पर कमल का जो पराग था वह गिरा हुआ था, उसके कारण उस सरोवर का जल इतना सुंदर सुस्वादु जल था।
तो उसके भीतर गजेंद्र प्रवेश किया। पहले तो गया दुष्ट स्वभाव होने के कारण उस कमल को ऐसे अपने सूंढ़ों से पकड़ करके ऐसे और उसको तोड़ डाला। जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं फूल आदि दिखाई देता है तो तुरंत तोड़ते हैं और अपने नाक के पास ले जाते हैं, और जो भक्त स्वभाव के होते हैं वो जाते हैं तो उस फूल को तोड़ते हैं तो सीधे भगवान के पास लाते हैं, पहले भगवान को चढ़ाते हैं। बिना भगवान को चढ़ाए कोई भी वस्तु वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके केंद्र में भगवान होते हैं। लेकिन वो दुष्ट था, पहले तो उस कमल के पुष्प को तोड़ा और इसके बाद में उस सरोवर के जल का पान किया, अपने पिया, अपने बच्चों को पिलाया, अपनी पत्नी को पिलाया। उसके साथ में बहुत लंबा चौड़ा परिवार थे, वो राजा था, उसकी बहुत पत्नियां थी, बहुत बच्चे थे, सबको जलपान कराया और इसके बाद में उसमें स्नान करने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। और जल क्रीड़ा ऐसे कर रहे, ऐसे मतवाले होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे, ठीक है गया तुमको प्यास लगा पानी पिया, गर्मी हुआ था स्नान कर लिया होता, लेकिन वो क्या किया कि अब उसमें विहार करने लगा। आसक्ति के कारण अपने पत्नी अपने बच्चों में इतना वो आसक्त था कि जो बच्चे स्वयं जल पी सकते थे, जो बच्चे अपने आप स्नान कर सकते थे, पत्नी अपने आप स्नान कर सकती थी, लेकिन वो आसक्ति के कारण वो क्या किया कि स्वयं जल ले लेकर के अपने सूंड़ से अपने पत्नी के मुख में डालता था। कुछ इतने आसक्त लोग होते हैं कि पहले पत्नी को खिलाते हैं तब अपने खाते हैं, जूठा खाते हैं। मैं तो एक बार, मुझे इतना खराब लगा, एक बार मैं आ रहा था ट्रेन में, कथा करके ही आ रहा था, मेरे साथ चार पांच लोग थे, हम लोग एसी बोगी में थे, आ रहे थे, तब तक एक व्यक्ति उसी बगल, ऐसे लोग जब मिल जाते हैं ना तो पूरा परेशानी होती है। मैं एक बार प्लेन में भी डिस्टर्ब हो गया था, जा रहा था मैं नेपाल कथा करने के लिए, और एक बार ट्रेन में, दो बार की घटना मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत हुआ है लेकिन दो घटना हमको भूलता ही नहीं है। तो वो ट्रेन में क्या किया कि कोई भी चीज आता था तो पहले तो खरीदता था, सामने मेरे सामने उसका सीट था, मैं उसको भगा भी नहीं सकता था। अंत में मुझे रहा नहीं गया, उसको मैं समझाया ही, सबके सामने ही बोलने लगा, लेकिन इतना बढ़िया से बोला कि उसको समझ में कुछ आया। वो क्या करता था, कुछ भी आता था खरीदता था और पहले अपने स्त्री के मुख में अपने हाथ से खिलाता था, और जब जूठा हो जाता उसका जूठा उसमें पड़ जाता था तब उसको खा कर लगता था कि उसको अब कितना सुख मिल रहा है। वास्तव में ऐसे अगर कोई खाता है तो एक तरह से उसका पति की उम्र घटती है। पत्नी को कभी अपना जूठा अपने पति को नहीं खिलाना चाहिए, अगर नहीं जानकारी है तो ऐसे जान लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं अपनी जूठा खिलानी चाहिए। अगर खिला रही है तो अपने पति को मार रही है और पति को समझना चाहिए कि हमको खत्म कर रही है, ये मत समझिए कि आपसे प्रेम कर रही है, आपको बर्बाद कर रही है, जान जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। एकदम बिल्कुल अकाट्य सत्य बात मैं बोल रहा हूँ, सुनने में जरूर कोई खाते होंगे तो उनको खराब भी लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो सही बात है। सिद्धांत बलिया चीते ना करे आलस्य, जो सही बात है उसको कहना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो इतना लंपट था ये कि अपनी पत्नी स्वयं खा सकती है, जल पी सकती है, स्नान कर सकती है, वो स्वयं करने लगा। अब जल के भीतर पवित्र स्थान में गया है, कोई गंगा के भीतर जाकर के, यमुना के भीतर जाकर के, तीर्थ में जाकर के इस तरह का व्यवहार करे तो भगवान कैसे सहेंगे। वो इतना उत्पात करने लगा कि भगवत इच्छा से, दैव की इच्छा से माता जी का फोन बंद करवा दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग फोन बंद करके यहां आइए, सभी लोग बंद कर लीजिए फोन को। तो हुआ क्या कि उस समय जो गजेंद्र है, गजेंद्र इतना मतवाला था कि दैव की इच्छा से, भगवत प्रेरणा से उसके भीतर एक ग्राह रहता था और वो आ करके तुरंत उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया उसी जल के भीतर। ऐसा पकड़ा, ऐसे चरण को पकड़ा कि अब वो छुड़ाने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। तो एक दो मिनट थोड़ा देर तक तो उसकी पत्नी बच्चे
उसको अपने पति को बचाने का प्रयास किए, लेकिन ग्रह क्या कर रहा है कि बार बार उसको खींच रहा है जल में, और जब खींच रहा है तब तो स्त्री बच्चे उसको छोड़ करके भाग गए, सोचे कि कहीं हम लोगों का पैर ना पकड़ लिए। देखिए, जिसके लिए वो प्रेम दिखा रहा था, जिसके लिए वो खिला रहा था, पिला रहा था, स्नान करा रहा था, वही स्वजन संबंधी उसको छोड़ दिए। यह एक बहुत शिक्षा है, बढ़िया अच्छी शिक्षा है कि कोई किसी को साथ देने वाला नहीं, अगर साथ देने वाले हैं तो केवल भगवान है। इस संसार का जो संबंध है ना, झूठ-मूठ संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है, वास्तविक प्रेम नहीं है। इस पर एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि एक महात्मा थे, वो महात्मा प्रतिदिन कथा करते थे एक गांव में रह करके, उनका काम था नित्य प्रवचन करना। उस गांव में लोग आते थे सुनने के लिए, और एक लड़का जो था बगल के गांव से आता था कथा सुनने के लिए, प्रतिदिन आता था। एक दिन वो लड़का नहीं आया, तो जो श्रोता रोज कथा सुनने के लिए आते हैं, तो जो कथा कहने वाले हैं उनकी दृष्टि रहती है कि कौन आता है। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ कि कौन प्रेम से सुन रहा है, किसका मन नहीं लग रहा है, कौन इधर कर रहे हैं। आपको भले पता हो या ना हो, मैं सबको देख रहा हूँ, क्योंकि वक्ता सबको देखते हैं, किसका मन लग रहा है, किसका मन नहीं लग रहा है, किसका मन इधर जा रहा है, किसका उधर जा रहा है। तो वो वक्ता साहब सबको देखते थे। वो लड़का एक दिन नहीं आया, और जब नहीं आया तो वो दूसरे दिन जब आया तो पूछे कि बेटा तुम क्यों नहीं आया कथा में, कल नहीं आया, रोज आता था प्रेम से कथा सुनता था, मैं बार बार प्रतीक्षा कर रहा था कि तू कब आएगा, नहीं आया। तो कहा कि गुरुदेव मैं आ ही रहा था, बिल्कुल अब चल दिया था, उसी समय हमारी जो पत्नी है, पत्नी कही कि आज आप कथा सुनने मत जाइए। तो मैं कहा क्यों? इसलिए कि आज हम लोग मार्केट में चलते हैं, कुछ सामान लेना है, मुझे बहुत जरूरी है, चलिए मेरे साथ। तो मैं क्या बताऊं गुरु महाराज, हमारी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि अब उसके बात को मैं कैसे ठुकराऊं। तो गुरु महाराज को जब ही प्रेम की बात कहा तब उनको अच्छा नहीं लगा, उससे पहले तक ठीक था कि ठीक है खरीदना चाहिए, लेकिन कहा कि वो बहुत मुझसे प्रेम करती है, दो तीन बार बोल दिया इतना प्रेम करती है ना, तब गुरु महाराज को इतना खराब लगा। कहा है गुरु जी बोले कि वास्तव में तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम नहीं करती है। तो कहा कि गुरु महाराज देखिए मैं आपकी कथा सुनता हूँ, आप में हमको आदर है, श्रद्धा है, लेकिन इस तरह की बात मत कहिए, हमारी पत्नी का शिकायत मत कीजिए। वो लड़का भी शुद्ध था बेचारा, कहा कि देखिए आप साधु हैं, आचार्य हैं, आप कथा जरूर कर रहे हैं, मैं आप में सम्मान बुद्धि रखता हूँ, गुरु बुद्धि रखता हूँ, लेकिन आप इस तरह की बात मत कहिए, क्योंकि हमारी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो गुरु महाराज कहे कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल तुमसे प्रेम नहीं करती है। गुरु चेला में हो गया। गुरु कहे कि मैं कह रहा हूँ ना वो प्रेम नहीं करती है, तो कहा कि करती है। कहे कि इसका परीक्षा लोगे? लड़का कहा कि हाँ। तो गुरु जी कहेगी देखो मेरे पास एक औषधि है, उस औषधि को मैं तुमको देता हूँ, अब तुम इस औषधि को जा करके अपने घर खा लेना पानी के साथ, ये लगभग 3 घंटा काम करेगा, 3 घंटा तक तुम ऐसे पड़ जाओगे कि तुम्हारा श्वास भी नहीं चलेगा, यही लगेगा कि तुम खत्म हो गए हो, मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, दुनिया वाले को यही लगेगा, लेकिन लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे तुम सब सुनोगे, और 3 घंटा के बाद तुम बिल्कुल जैसे हो ऐसे हो जाओगे। तो कहा अच्छा। तो गुरु महाराज क्या किए कि उसको वही औषधि दे दिए। उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता और उसकी एक बहन थी, जिस बहन का शादी नहीं हुआ था। तो लड़का गया और जा करके अपने घर गया और उस औषधि को पानी के साथ में ले लिया, और लेते ही वो ऐसा गिर पड़ा, लगा कि अब वो खत्म। उसकी पत्नी देखी, लगी जोर जोर से रोने,
मरने के बाद में कैसे लोग रोते हैं वो सबको पता ही है, हाय हाय खूब रोना चालू की। तब तक माताजी देखी, माताजी भी लगी छटपटाने रोने, पिताजी रोने लगे, बहन रोने लगी, इतने जोर जोर से रोने लगे, बहुत भीड़ हो गया, गांव वाले आ गए, वो सुन भी रहा है कि सब रो रहे हैं। उसी समय गुरु महाराज भी आ गए कुछ देर के बाद। क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे शिष्य को क्या हो गया, वो कह रहे हैं, वो भी सुन रहा है। तो कहे अरे ये तो खत्म हो गए, हम लोग कैसे जिएंगे इनके बिना, कैसे रहेंगे, हमारा जीवन व्यर्थ, हम मर गई, हम समाप्त हो गई, हाय हाय हाय। कहे अरे क्यों रो रही हो, जो व्यक्ति जन्म लिया है, गुरु महाराज बोल रहे हैं, वो मरता है, मृत्यु जन्म वताम वीरा देहे न सहजायते, वो प्रवचन करने लगे, अद्य वाब्द सतांते वा मृत्यु वही प्राणिना ध्रुव, जो व्यक्ति संसार में आया है वो निश्चित मरेगा। अरे 100 बरस के बाद मरता, आज मर गया, क्या हो गया, मर गया मर गया, इसको ले जाओ फेंक दो, इसमें रोने की क्या जरूरत है, ऐसे रो रही हो पागल की तरह, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तब वो लोग क्या कहते हैं, सब माता पिता और पत्नी, कि तुमको थोड़े चिंता होगा, तुम विवाह किए हो, कितना दुख है हम लोगों को पता है ना। अच्छा आप लोगों को इसके लिए दुख है, तो एक उपाय है, ये जीवित हो जाएगा। तो लोग कहे क्या उपाय है महाराज, बताइए जल्दी बताइए। कहे कि उपाय यह है कि तुम जो चार लोग हो, उन चारों में से एक को मरना पड़ेगा, अगर कोई इसमें से एक मर जाएगा तो जीवित हो जाएगा, ये उपाय है मेरे पास। और बताओ कौन मरोगे चारों में से, पहले पत्नी से पूछे तुम मरोगी, वो एकदम सोचने लगी। माता पिता से पूछे कि तुम मरोगे, बहन से पूछते हैं कोई तैयार नहीं हो रहा। पहले पिताजी से पूछे कि आप बूढ़े हो मर जाओ ना। कहे मैं क्यों मरूंगा, बूढ़ा कह रहा है। तब उसके माँ से पूछे कि तू मर जाओ, तू जी करके क्या करो। कहे कि मैं क्यों मरूंगी, वो बूढ़ा की तरफ देख रही है, बूढ़ा बुढ़िया की तरफ देख रहा, दोनों मरने के लिए तैयार नहीं है। तब वो महात्मा जी उसके बहन से कहे कि बेटी तुम मर जाओ, आखिर तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा विवाह कौन करेगा, तुम्हारी माता पिता वृद्ध हैं। तो वो भी चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रही है वो भी। तब कहे कि तुम तीनों नहीं मरोगे, लेकिन हमारा शिष्य मुझसे कहता था कि हमारी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो देखो तुम तो इसे इतना प्रेम कर देती हो, बार बार प्रशंसा करता था तुम्हारा, तो तुम मर जाओ ना बेटी जी करके क्या करोगी, अभी तुम्हारा तो बहुत कम उम्र है। तो कहते कि मैं क्यों मरूं, वो पत्नी बोल रही है, मैं क्यों मरूं, मेरा तो दूसरा जगह विवाह हो जाएगा, मैं तो दूसरे जगह चली जाऊंगा, अरे मर गया मर जाए, इससे क्या हमको लेना देना है। तब कहे कि अरे तुम नहीं मरोगी, मैं क्यों मरूं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो महात्मा जी से कह रही है। तब महात्मा जी कहे अरे तब तो तुम लोग नहीं मरोगे, लेकिन मेरा ये शिष्य है ना, मैं ही मर जाता हूँ, महात्मा जी बोले। तब चारों बोलते हाँ हाँ महाराज आप मर जाइए, आपका कोई नहीं है, आप मर जाइए अच्छा रहेगा। तो महात्मा जी कहे हाँ हाँ मैं अभी मरने जा रहा हूँ, और तुरंत जल लिए, उनका पावर था कि 3 घंटा से पहले भी जीवित कर सकते हैं। तो जल लिए छिड़के, कहे बेटा उठ जाओ, तुरंत लड़का उठ गया। कहे कि देखो ये तुम्हारी सबसे प्रिय पत्नी है, जो तुमसे दिन रात प्रेम करती है, रहो बेटा इसे। कहा नहीं गुरुदेव, मैं सुन लिया सबकी बात, अब मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, ना घर मेरा ना घर तेरा, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है, मैं किसका हूं, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ संसार में जो कहते हैं कि यह मेरा है, पत्नी कहती है मेरा है, पुत्र कहता है मेरे पिताजी हैं, माताजी कहती है नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, अगर कोई नौकरी करवा रहा है जो मालिक कंपनी का, वो कहता है कि नहीं नहीं ये नौकर मेरा है, कुत्ता तैयार रहता है नहीं नहीं ये साहब मरेंगे तो मैं इनको खाऊंगा ये तो मेरे भाग हैं, आग कहता है नहीं नहीं ये मेरा है, यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तो मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवान। तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो तुम किसके हो, तुम इन लोगों के नहीं हो,
तुम कृष्ण के हो, कृष्ण तुम्हारे हैं और कृष्ण के तुम हो। तो इस तरह गजेंद्र नहीं समझ रहा था, लेकिन जब ही उसकी पत्नी बच्चे भाग गए तब उसकी बुद्धि खुल गई। युद्ध होते होते 1000 वर्ष बीत गया, लेकिन जल के जीव होने के कारण ग्राह का जीव का तेव बल बना रहा, लेकिन गजेंद्र का बल कमजोर पड़ने लगा। अब गजेंद्र को हारे को हरिनाम, जब सब तरह से हारा हुआ दिखाई दिया तब भगवान उसको याद आए और जो पूर्व में कुछ भजन किया था वो स्मरण हो आया। स्मरण करते हुए कहता है, एवं वेवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्य प्राग्जन्म अनुसेच्छितं। जो पहले भजन किया था वो उसको स्मरण हो आया और स्तुति करते हुए, गजेंद्र स्तुति जिसको बोलते हैं भागवत के अष्टम स्कंद के 3rd अध्याय में 33 श्लोक है गजेंद्र स्तुति, कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यच्छिदात्मकं पुरुषाया दिवेजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं एनेद य इदं स्वयं योस्मस्मात् परस्माच्च प्रपद्ये स्वयंभुः यः स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितं अवेद्रिकः साक्षुभयं तदिच्छते सयात्ममूलो वतु मां परात्परः। कहता है कि हे भगवान, आप ही इस संसार को बनाने वाले हैं, संपूर्ण संसार को रचने वाले आप हैं, सबका पालन करने वाले आप हैं, अंत में सबको समेटने वाले प्रभु आप हैं, मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप जैसा दयालु कोई नहीं है। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसे प्रतीत प्रत्यग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हे प्रभु, आप आलस्य से रहित हैं, आप बहुत बड़े दयालु हैं, मैं बंधा हुआ जीव हूँ, आप आकर के हमारा कल्याण कीजिए प्रभु, मैं बड़ा कष्ट में हूँ। इतना सुनते ही एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग अभिधाभिमाना नयते यदोपपन्नीर अखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिदाविरासी। भगवान तुरंत गरुण जी को कहे कि अरे चलो, मेरा भक्त इस समय संकट में है। गरुण जी को कहे और गरुण जी के ऊपर भगवान बैठे, लेकिन भगवान को लगा कि गरुण चलने में विलंब कर रहा है, देर कर रहा है, जो कि गरुण जी का चाल इतना तेज है कि मन से भी हजारों गुना तेज गति से गरुण जी चलते हैं, लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान इतने जल्दी में थे कि गरुण के ऊपर से कूद गए। कभी कभी जब हम लोग जल्दी में होते हैं, अगर कभी ट्रेन या फ्लाइट पकड़ना होता है और कार में जाते हैं और जाम में फंस जाते हैं, तो लगता है कि इस कार से हम लोग कूद करके जल्दी भाग करके एयरपोर्ट पर और स्टेशन पर चले जाएं, लेकिन आप कितना हूँ दौड़ोगे, कार से तेज नहीं दौड़ सकते हो, थोड़ा भी जाम खोलने पर कार तेज गति से जा सकती है। लेकिन भगवान को लग रहा है कि एक गरुण देर कर रहा है और भगवान इतने तेज गति से वहाँ पर आए जहाँ पर ग्राह गजेंद्र को पकड़ा था। और वहाँ आते ही भगवान सुनता सरसुरबला नगृहित या तो दृष्टवा गरुत मतिहरिम कौपात चक्रम उत्क्षिप्य सांब जकरम गिरमा कृष्ण नारायण किल गुरु भगवान नमस्ते। भगवान देखे कि हमारा भक्त को ग्राह पकड़ा है, तो दूर से ही भगवान देखे और देख करके अपने चक्र से ग्राह के सिर को काट दिए, और जब ही सिर को काटे तो ग्राह गंधर्व के रूप में परिणित हो गया। और इसके बाद में गजेंद्र के पास गए और गजेंद्र को जब ही भगवान स्पर्शित करते हैं, छूते हैं, जो गजेंद्र का हाथी का शरीर था वही शरीर भगवत पार्षद के रूप में बन गया। ये नहीं कि हाथी अलग हो गया शरीर फिर अलग मिला, वही हाथी का ही शरीर भगवत पार्षद के रूप में परिणित हो गया। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान ये दोनों कौन थे,
आप बताइए इन दोनों के जीवनी के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ ये दोनों कौन थे। तो कहते हैं कि जो ग्रह था वह पहले गंधर्व था, जिसका नाम था हो नाम का गंधर्व था। और वो क्या किया कि एक बार देवल ऋषि के चरणों में अपराध कर दिया। देवल ऋषि के चरणों में अपराध करने के कारण देवल ऋषि उसको श्राप दे दिए। और श्राप दिए हुआ क्या कि एक बार देवल ऋषि गए थे नदी में स्नान करने के लिए, तो वो गंधर्व पहले तो सुंदर था ही, नदी में स्नान कर रहा था और नदी के भीतर से पानी के भीतर भीतर जा करके उनके चरण को पकड़ लिया। जैसे कभी हंसी मजाक में लोग नहीं करते खींचा तानी जल में, कैसे किए तो ऋषि को गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जाओ तुमको इतना इच्छा हो रहा है जल के भीतर खेलने का तो तुम जल वाला जीव बन जाओ, ग्रह बन जाओ। तब रोने लगा। तो फिर कहे कि जब भगवान हरि आएंगे उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। और इधर क्या हुआ कि जो गजेंद्र था वो पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के वो राजा थे। एक बार मनमाना ढंग से उनके मन में आया कि मैं राजा हूँ ही, देख रहा हूँ कि साधु लोगों को बड़ा सम्मान आदर मिलता है, तो वो जंगल में बैठ करके दाढ़ी बाल बढ़ा करके ध्यान करने लगे। और उसी रास्ते से अगस्त जी आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ में। अगस्त जी को देख करके वो खड़े हो रहे ना, प्रणाम कर रहे, तो अगस्त जी देखे कि ये साधु के भेष में जरूर बैठ गया है, बन गया है साधु, लेकिन उसको आज तक ये ज्ञान ही नहीं हुआ कि साधुओं का सम्मान कैसे करना है। इसको तो बहुत समय लग जाएगा भगवान को प्राप्त करने में, इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो अगस्त जी उसको श्राप दे दिए कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। तब उनकी बुद्धि खुली और उनके चरणों में गिर गए, कहे कि जब भगवान हरि आएंगे उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। तो यही दोनों, एक गजेंद्र बने थे जो राजा थे वो, और जो गंधर्व था वह ग्रह बन गया था, लेकिन भगवत कृपा से इन दोनों का उद्धार हो गया। तो अगर कोई भगवान का भजन करता है किसी कारणवश उसकी भजन छूट जाती है तो बाद में वो काम में आती है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। अगर कोई भगवान के चरणों में आकर के बैठ गया है, अगर थोड़ा भी कथा सुन लिया है, तो वो निष्फल नहीं होता। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि जिसके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, मान लीजिए कि मकान बनाना है और अपने पास 1,00,000 रुपया है, तो कोई व्यक्ति क्या करते हैं कि जमीन का खुदाई करके उसमें पिलर डाल देते हैं, थोड़ा सा प्लेंथ बराबर ला देते हैं, पैसा खत्म हो गया, तो वहीं तक रुका रहता है। लेकिन दोबारा जब कुछ समय के बाद 2-3 बरस के बाद पैसा होता है, तो जब मकान बनाने को सोचता है तब उसको जमीन की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ तक दीवार है उसी के ऊपर से उठाना चालू करेगा। वैसे ही अगर हम भजन कर रहे हैं और किसी कारणवश हमारी भक्ति छूट गई, तो फिर दोबारा भजन करेंगे तो वहीं से चालू होगा। ये निष्फल नहीं होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान का नाम लिया हुआ कभी खत्म नहीं हो जाता है, वो रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो छोड़ते नहीं है, करते रहते, आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे चल करके पांचवा मनु हुए रैवत, और छठवां मनु हुए जिसका नाम है चाक्षुष। उसी मनु के समय में मन्वंतरा अवतार के रूप में भगवान अजीत आए थे, और वही अजीत भगवान समुद्र का मंथन किए जिसके द्वारा अमृत निकला और अमृत को देवता लोग ग्रहण किए। और उस समय असुर लोग बहुत मारे गए थे। इतना कहकर के सुखदेव जी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बहुत सुंदर कथा है, इसको थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना, इतना जल्दी से आप क्यों भाग रहे हैं। तब कहते हैं कि देखो कथा यह है कि देवता लोग एक बार भगवान के शरण में जा करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हम लोगों की शक्ति बहुत कम पड़ रही है, हम लोगों को कोई शक्ति का व्यवस्था कीजिए, बल का व्यवस्था कीजिए, हम लोगों से असुर बहुत मजबूत पड़ रहे हैं। तो भगवान कहे कि अगर तुम लोग बल चाहते हो, शक्ति चाहते हो, तो तुम लोगों को समुद्र का मंथन करना पड़ेगा और उसमें से अमृत निकलेगा, उसका पान करोगे तो बलवान हो जाओगे, लेकिन अकेले तुम नहीं कर सकते हो, इसके लिए असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी।
असुरों से दोस्ती करनी होगी। तो कहे कि असुर तो हमारे दुश्मन हैं, हम उनसे कैसे मित्रता करेंगे। तो भगवान कहे कि मैं एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय के तहत जब जाओगे तो दोस्ती कर सकते हो। तो भगवान से देवता लोग कहे कि कौन उपाय? तो कहे कि तुम लोगों को अही मुस्कवद न्याय से काम लेना पड़ेगा। अही अही कहते हैं, जानते हैं किसको? सांप को। और मूस कहते हैं चूहा को। तो चूहा और मूस वाला उपाय करना पड़ेगा। तो कहे मैं समझा नहीं गुरुदेव, हे भगवान मैं नहीं समझा। तो कहे कि मैं समझाता हूँ कि कैसे काम लेना है। जैसे सर्प चूहा से काम लिया था, तब तो उसको समझा रहे भगवान, बता रहे हैं नीति। भगवान कहते हैं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति चूहा को फंसाने के लिए अपने घर में चूहादानी लगाया था। लकड़ी का एक होता है ना, अब तो लोहा का हो गया है, नहीं तो पहले लकड़ी का रहता था। तो चूहा फंसाने के लिए अपने घर में रखा था, और तब तक क्या हुआ कि उस चूहे दानी में सर्प जा करके पहले से बैठ गया। सोचा कि इसमें चूहा आएगा तो मैं उसको खाऊंगा, तो उसमें जा करके बैठ गया। और इसके बाद फुदकते हुए जब चूहा गया, और जब ही चूहा उसके भीतर प्रवेश किया, वह चूहादानी बंद हो गया, तो उसके भीतर सांप और चूहा दोनों फंस गए। और सांप सोचने लगा कि अगर इस चूहा को मैं खा जाऊंगा तो मैं निकलूंगा कैसे, उनको तो निकालना जरूरी है। अगर मैं खा गया सांप को तो घर के मालिक आएगा और मेरा वध कर देगा, तो मुझे निकलना बड़ा जरूरी है। तो अब वो सांप चूहा से बोलता है, उसी चूहादानी में फंसे फंसे कहता है कि देखो भैया चूहा, जीवन में मैं बहुत चूहा खाया हूं, लेकिन अब मेरे मन में व्रत करने की इच्छा हो रही है, अब मैं साधु बनना चाहता हूं। वो सांप कह रहा है। तो चूहा सुन रहा है, साधु आप तो हम लोगों को खाने वाले हो, कैसे साधु बन जाओगे? तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि मैं अब सोचता हूँ कि बहुत जीवन में हत्या किया, अब हत्या नहीं करूँगा, अब मैं वैष्णव बनना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को खाया हूँ तो सबसे पहले दोस्ती तुम ही लोगों से चालू करो। तो चूहा कहा कि अच्छा, तो अब हम चाहते हैं मित्र, कि हम दोनों मित्र हो जाए, दोस्त हो जाए। तो चूहा कहा कि बड़ा सुंदर विचार आपके मन में आ रहा है, बहुत अच्छा विचार है। तो फिर सांप कहता है कि अरे मित्र, लेकिन हम दोनों मित्र हो गए, लेकिन हम लोग यहाँ फंस गए हैं, अब इसमें से निकालना भी जरूरी है ना। तो चूहा कहा कि हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं। तो कहे कि देखो मैं एक उपाय बताता हूँ मित्र, तुम्हारा जो दांत है ना बड़ा तीक्ष्ण है, तुम अपने दांत से धीरे धीरे इस लकड़ी को काटो, और जब लकड़ी को काटोगे छिद्र होगा तो हम दोनों आराम से निकल जाएंगे। तो चूहा भोला भाला व्यक्ति, वो धीरे धीरे अपने दांत से काटना चालू किया। काटते काटते जब इतना काट दिया, छेद कर लिया, तो सर्प कहा कि मित्र मैं निकल करके देखता हूँ कि इसमें से तुम निकल पाओगे कि नहीं, अच्छा से निकल कर देख रहा हूँ। तो सांप उसमें से बाहर निकल गया, और निकल गया तो फिर भीतर आया, और भीतर आकर कहा कि मित्र अभी थोड़ा सा कमी है, थोड़ा और उसको काटो, तुम निकल नहीं पाओगे, तुम हमसे थोड़ा मोटा हो। तो चूहा कहा कि अच्छा तुम हमारे विषय में कितना सोचते हो मित्र। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा काटा, अब सांप बाहर निकल गया, सोच लिया कि जब इसको खाऊंगा मेरा शरीर थोड़ा मोटा होगा, फिर भी निकल पाऊंगा कि नहीं, मिला लिया इसके बाद में जब अच्छा से काट लिया चूहा, तब भीतर घुसा और कहा कि मित्र अब मित्रता खत्म, मैं तुमको खाऊंगा, और उसको तुरंत खा गया, और खा करके उसमें से निकला और चला गया। तो भगवान असुरों को देवताओं से कहते कि बस यही नीति अपनानी है, इंद्र तुम जाओ बलि के पास, असुरों के पास, और जाकर कहो कि हम दोनों तो एक ही पिता के लड़के हैं, कश्यप जी के संतान हैं, अरे हम लोग में झगड़ा लड़ाई थोड़ा सा है, पारिवारिक बात है, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, हम लोग समुद्र का मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, तुम भी पीना हम भी पियेंगे, बलवान हो जाएंगे। तो इंद्र सीधे पहुंचे बलि महाराज के पास, असुरों के पास, और वहां जा करके क्या किए कि ये बात कहे, तो असुर लोग कहे कि हाँ ठीक है। और भगवान ये भी बताए थे कि देखो जब वो लोग तैयार हो जाएंगे
तो वासुकी नाग को लाना है, मंदराचल पर्वत में बांधना है। लेकिन तुम लोग क्या करना कि पहले उस वासुकी के मुख के तरफ जाना पकड़ने के लिए। तो मुख पकड़ना तो असुर मूर्ख होते हैं, कहेंगे कि हम लोग किस माने में कमजोर हैं तुम लोगों से, हम लोग पूछ थोड़े पकड़ेंगे, हम लोग तुमसे कमजोर हैं क्या, हम कश्यप जी के लड़के नहीं हैं। वो लोग कहेंगे हम लोग मुख पकड़ेंगे, तो तुम लोग तुरंत छोड़ करके पूछ पकड़ लेना, क्योंकि जब घर्षण होगा खींचा जाएगा तो उस सांप के विष निकलेंगे, और विष निकलेगा तो उससे बहुत विषैला होने के कारण झुलस जाएंगे असुर लोग। तो देवता लोग कहे आपकी तो नहीं, हमारे हितैषी है भगवान, ठीक है। वैसा ही हुआ, और वो लोग गए और जा करके इंद्र प्रस्ताव रखे तो असुर लोग तैयार हो गए। वासुकी नाग को लाया गया, मंदराचल पर्वत लाया गया, और भगवान ये भी कहे थे कि उस समुद्र से बहुत कुछ निकलेगा, लड़ाई मत करना, बारी बारी से बांटते रहना, लक्ष्य है अमृत न कि शुरू का चीज, एक बार तुम ले लेना एक बार तुम ले लेना। अब वो लोग जेव ही वासुकी को बांध करके मंदराचल को उसके भीतर समुद्र के भीतर डालना चाहे, वो मंदराचल ही नीचे चला गया। अब हाय 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 हाय, अब क्या किया जाए क्या किया जाए। उसी समय भगवान अजित बगल में खड़े हैं, हंस रहे हैं। तब तक भगवान एक रूप धारण किए कछुए के भीतर से, और उस पर्वत को लेते हुए आ गए, पर्वत को लेते हुए ऊपर कर दिए। नीचे कक्षप भगवान हैं और उनके पीठ के ऊपर मंदराचल है। अब वो मथना चालू किए, जब मंथन चालू किए तो सबसे पहले उसमें से बीस निकला। जब समुद्र मंथन चालू हुआ, 14 रत्न निकला है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि उसमें से 20 निकलना चाहते, और जब ही 20 निकला तो देवता लेना चाहते हैं ना असुर लेना चाहते हैं, वो दोनों नहीं ले रहे हैं। जब दोनों नहीं ले रहे हैं तो उस समय शंकर जी को बुलाया गया, और शंकर जी आए। शंकर जी क्या किए कि उस 20 का पान किए। 20 पीने के कारण शंकर जी उस 20 को भीतर नहीं ले गए, क्योंकि भीतर भगवान बैठे हैं, तो शंकर जी अपने कंठ में ही रख लिए, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। शंकर जी नीलकंठ के नाम से सुशोभित हुए। फिर मंथन चालू हुआ, और जब ही मंथन किए तो उसमें से सुंदर गाय निकली, जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु गाय जब निकली तो गाय को ऋषि लोग लिए। भगवान कहे कि गाय को ऋषियों को दे दीजिए, साधु वैष्णव गाय का पालन करते हैं, असुर लोग गाय का पालन नहीं करते हैं। देखिए गौ गोविंद सेवा के द्वारा कथा हो रही है। पहला इसमें नाम है गौ, इसके बाद में है गोविंद। इसका मतलब कि गोविंद जो हैं किससे ज्यादा प्रेम करते हैं पता है ना, भगवान किसके भक्त हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय, भगवान गाय और ब्राह्मण के भक्त हैं। भगवान इतने प्रेम करते हैं गाय से, भगवान इतने प्रेम करते हैं ब्राह्मण साधुओं से। और वास्तव में जितना सुंदर ढंग से साधु महात्मा गायों की सेवा करते हैं उतना और कोई नहीं करता है। महात्मा लोग गायों की सेवा करते हैं, जो असुर लोग होते हैं गायों को मारते हैं, गायों का संहार करते हैं, गायों की रक्षा नहीं करते हैं। तो हम लोगों को गाय और गोविंद दोनों के तरफ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो गाय की सेवा करता है तो गोविंद स्वाभाविक प्रसन्न होते हैं, गोविंद का भी सेवा और गाय का सेवा दोनों हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब गाय निकली उसमें से कामधेनु गाय निकली, तो भगवान को विश्वास था कि इन गायों का सेवा असुर नहीं करेंगे। तो भगवान एक तरह से इशारा किए देवता और असुरों दोनों को कि आप इन गाय को ऋषि लोगों को दे दो, क्योंकि ऋषि लोग खूब सुंदर ढंग से सेवा करेंगे। तो ऋषि लोग उस गाय को दे दिए। फिर मंथन चालू हुआ, और जब ही मंथन चालू हुआ तो उसमें से एक सुंदर घोड़ा निकला, जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है? उच्चैःस्रवा।
उचई श्रवा नामक घोड़ा निकला, खूब चमक रहा था। तो उस घोड़ा को देख करके जब ही उचई श्रवा निकला तो उस घोड़ा को देख करके बलि महाराज की इच्छा हुई कि मैं, तो उनको घोड़ा दे दिया गया। कहा ठीक है ले लीजिए। तो उचई श्रवा नामक घोड़ा को बलि महाराज ले लिए। इसके बाद में फिर मंथन चालू, और जो ही मंथन चालू हुआ तो हाथी निकला जिसका नाम है ऐरावत। उस हाथी को फिर अब देवता लोग ले लिए, इंद्र ले लिए। कितने रत्न निकल गए? चार, चार रत्न निकल गया। फिर घर्षण चालू हुआ तो एक सुंदर उसमें से मणि निकला जिसका नाम है कौस्तुभ मणि, पांचवें रत्न के रूप में। तो अभी सब देख ही रहे थे तो भगवान कहे कि मैं यहाँ फोकट में खड़ा हूँ क्या? केवल तुम लोग ले रहे हो कभी, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सब लोग हंसने लगे और भगवान को उस माला को पहना दिए, कौस्तुभ मणि माला भगवान को पहनाया गया। इसके बाद में फिर घर्षण चालू, मंथन चालू, और जो ही मंथन किया गया तो उसमें से एक वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष, छठवें रत्न के रूप में एक वृक्ष निकला। और जब वृक्ष निकला तो बारी किसका था? असुरों का, असुरों का बारी था। लेकिन असुर कहे कि नहीं नहीं, हम लोग तो वृक्ष को काटते हैं, हम पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे अपने घर में। तब देवता लोग उसको ले लिए कल्प वृक्ष को। फिर मंथन चालू, सातवें रत्न के रूप में उसमें से अप्सरा निकली। तब तो देवताओं का बारी था, असुर लोग नहीं लिए, मत लो, लेकिन अपने बारी को हम क्यों छोड़ेंगे। तो फिर अप्सरा भी देवताओं के भाग में चली गई। अब असुर लोग देख रहे हैं कि अरे यार हम लोग को गड़बड़ हो गया, इसके भाग में तो दो चीज चला गया, लेकिन लड़ाई करना नहीं। तो भगवान पहले ही समझा दिए थे कि लक्ष्य अमृत केवल होना चाहिए, इसमें मत फंस जाना। फिर मंथन चालू, अब हो रहा है मंथन। उस दिन जब हो रहा था तब तक क्या हुआ कि उसमें से एक सुंदर स्त्री निकली, लक्ष्मी जी। जानते हैं आठवां स्कंद की कथा हो रही है, आठवां अध्याय की कथा हो रही है, आठवां श्लोक की कथा हो रही है, और अष्टमी तिथि थी और आठवां नंबर है, लक्ष्मी जी आठवें नंबर पर आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो जब लक्ष्मी जी निकली उनको देख कर के देवता भी चाह रहे हैं, असुर भी चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं मुझको मिल जाए मुझको। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है बताइए? सब चाह रहे हैं मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। भगवान देखे कि तो गड़बड़ होगा, तो भगवान कहे सुनो सुनो सुनो, लड़ाई मत करो, बिल्कुल लड़ाई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग छोड़ देते हैं, ये जिसको वरण करेगी वही स्वीकार कर लेगा। तब सब चुप, सब साइड में खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो लक्ष्मी जी हाथ में माला ली हुई थी, और माला लेकर के लक्ष्मी जी देख रही है असुरों की तरफ। तो सच पूछिए तो देखी भी नहीं लक्ष्मी जी, दृष्टि भी नहीं डाली असुरों की तरफ, बिल्कुल नहीं देखी, लेकिन देवताओं की तरफ थोड़ा देखती है। तो जब देवताओं की तरफ देखी तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की तरफ देखती है, तो कहे कि ठीक नहीं है, इनके चार सिर है, ये कैसा व्यक्ति है, चार सिर वाला ठीक नहीं है। फिर शंकर जी की तरफ देखिए, लेकिन देखने में सुंदर है लेकिन इनका वेशभूषा सही नहीं है, ये माला की जगह पर सांप लगाया, उसी समय सर्प ऐसे कर रहा था। देखिए तो बड़ा गड़बड़ा डेंजर व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है। फिर इंद्र की तरफ देखती है तो कहती है अरे ये तो एक नंबर का लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, लालची व्यक्ति के पास थोड़े जाऊंगी, ये हमेशा टेंशन में रहता है, कोई कुछ भी यज्ञ करता है तो घबरा जाता है कहीं मेरा सीट ना चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास थोड़े मैं जाऊंगी। तब तक भगवान की तरफ देखना चाहती है लेकिन भगवान अपना मुख दूसरे तरफ करके खड़े हैं मस्ती में, देख कर करी कि ये है सुंदर, बहुत सुंदर है, सब तरह से अच्छे हैं, लेकिन अब तो सब में कमी निकाल रही थी तो भगवान में भी कमी तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहते हैं कि है सुंदर लेकिन निरपेक्ष, इसको किसी से मतलब ही नहीं है, लेकिन कुछ भी है माला तो इसी को मैं पहनाऊंगी, और गई और जा करके माला पहना दी। और जब माला भगवान को पहनाई तो भगवान उनको स्वीकार कर लिया लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी भगवान के हो गई,
लक्ष्मी रमन भगवान की। इसके बाद में फिर मंथन चालू हुआ और जब मंथन चालू हुआ तो उसमें से वारुणी देवी निकली, वारुणी जिसको असुर लोग स्वीकार किए, वारुणी को। फिर मंथन चालू और जब ही मंथन चालू हुआ तब तक धन्वंतरी भगवान निकलते हैं और इसके बाद में मंथन चालू हुआ तो वही धन्वंतरी भगवान ग्रामे रूप में रत्न लिए, अमृत लिए हुए, अमृत के कलश लिए हुए आ रहे हैं और जब ही अमृत लेकर के ऊपर आए उसी समय क्या किए असुर लोग इतने दुष्ट हैं कि तुरंत भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत के कलश को ले लिए और लेकर के इतने तेजी से भागना चालू किए। अब देवता लोग बेचारे चुपचाप खड़े हैं, रोने लगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया। और असुर इतने बदमाश हैं कि ले करके गए लेकिन पी नहीं पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, इस लड़ने में रह गए। जब लड़ने लगे तब उस समय लड़ ही रहे थे तब तक एक सुंदर स्त्री मोहिनी रूप धारण की हुई स्त्री वहां पहुंचती है और इतनी सुंदर स्त्री है, इसमें बहुत सुंदर वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, उनके शरीर सुंदर, साड़ी सुंदर पहनी थी, कमर पतला, और इस प्रकार जा रहे उनको देख करके असुरगण जो आपस में लड़ रहे थे लड़ना भूल गए और कहते हैं अरे सुंदरी तुम कहाँ से आ रही है। अरे वो कहीं से आ रही है, तुम्हारा क्या मतलब है किसी लड़की से पूछना, बताओ। ये असुरों का स्वभाव है, अनजान स्त्री अनजान लड़की से कोई पूछे अरे सुंदरी तुम कहाँ से आ रही हो, ये मूर्खता नहीं है तो और क्या। यही असुरों का पहचान है, कह रहे कि तुम बहुत सुंदर हो, इसमें लिखा हुआ है तुम इतनी सुंदर हो कि हम लोगों का मन में खलबली मच रहा है, अभी पता चलेगा क्या होने वाला है, हम लोग का मन बेचैन हो रहा है, देखो 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 हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोगों के झगड़ा दूर कर दो ना। तो कहे कि आप लोग हम पर कैसे विश्वास करने लगे, कहते नहीं नहीं तुम बहुत सुंदर हो, तुम विश्वास करने योग्य ही हो। तो कहे कि क्या समस्या है, तो देखिए अमृत है, हम लोग लड़ रहे हैं, आप हम लोगों का बंटवारा कर दो। तो वो कही कि देखिए मैं बंटवारा तो करूंगी लेकिन मैं जैसे बांटूंगी आप लोग आपस में प्रेम बना करके इसको ग्रहण करना पड़ेगा। अमृत कैसे आपको प्राप्त हुआ, तो सब बता दिए कि हम देवता असुर मिल करके किए। तब वो कही कि जब देवता लोग किए असुर किए हो तो सबको पीना चाहिए ना, देवताओं को भी यहाँ बुलाइए, वो लोग भी बैठेंगे, तुम लोग भी बैठो और जैसे मैं पिलाऊंगी वैसे तुम लोग चुपचाप पीना, समझ में आ रहा है ना। तो जब वो बोल रही थी तो मुस्कुरा करके बोल रही थी, उन लोगों के तरफ थोड़ा सा हंस देती थी देख करके, तो लोग इतने प्रसन्न थे कि देखिए अब हम लोग से हंसने भी लगी, हम लोग के तरफ देखने भी लगी। अब वो क्या की कि देवताओं को एक तरफ बैठा दी असुरों के दूसरे तरफ और अमृत के कलश उसके हाथ में आ गया। अमृत के कलश लेकर के पहले असुरों के तरफ बढ़ती है और सभी असुरों के तरफ देख करके मुस्कुराते हुए हाथ ऐसे करते हुए अब देवताओं के तरफ आ गई और देवताओं के तरफ पिलाना चालू कर दी और इशारा कर रही है कि आप लोग घबराना मत, आप लोगों से मैं प्रेम करती हूँ, समझ रहे हो ना। ऊपर ऊपर वाला पतला है, नीचे काजू बादाम भरा हुआ है, काजू बादाम मैं आप लोगों को पिलाऊंगी, पतला इन लोगों को पिला देती हूँ, जो पानी ये भाग है उसको मैं पिला देता हूँ देवताओं को। तो वो लोग सोचे कितना प्रेम कर रही है हम लोगों से, हम लोग को काजू वाला पिलाएगी, बादाम वाला जो नीचे पिसता है उसको पिलाएगी हम लोगों को। वो पिलाना चालू की देवताओं को, देवता लोग बड़े आनंद से पी रहे हैं। अब जो कलश भरा हुआ था वो बिल्कुल लगा कि उल्टा होने वाला है, तब एक असुर देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, उसमें से उठा और जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और एक बूंद उनके मुंह में गया तब तक सूर्य चंद्रमा इशारा कर दिए कि भगवान ये कोई देवता नहीं है तो असुर है, भगवान तुरंत चक्र निकाले और उससे उसके सिर को काट दिया, वही राहु केतु हुआ। उसी समय सारे असुर कहे कि अरे अरे ये तो कपटी मोहिनी के रूप में, ये तो विष्णु है, भगवान अपने रूप में हो गए। अब वहां
वहां बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसका नाम है देवासुर संग्राम। भयंकर युद्ध हुआ, उसमें बहुत लोग मारे गए, लेकिन भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को सही कर दिए, असुर लोग बहुत मारे गए थे। तो इस तरह अमृत मंथन की कथा हुई। आगे चल करके अब बलि महाराज का प्रसंग आता है। बलि महाराज की कथा इस प्रकार है कि बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर दिए थे और शुक्राचार्य जी के बल से बलि इतने बलवान हो गए कि एक बार शंख बजाते हुए रथ पर बैठ करके प्रहलाद महाराज ऐसे माला पहना दिए थे जो माला कभी मुरझाने वाला नहीं था। उस माला को धारण करके शंख बजाते हुए जब बलि महाराज स्वर्ग की ओर चढ़ाई किए तो उनके प्रभाव के कारण देवता लोग घबराते हुए बृहस्पति जी के पास में आए। और जब बृहस्पति जी के पास में आए तो बृहस्पति जी से कहते हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। बृहस्पति कहे कि इस समय कोई तुम लोग को बचा नहीं सकता है, तुम लोग जल्दी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बलि का इतना प्रभाव है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। इस समय साधु ब्राह्मण अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, और वही साधु वही ब्राह्मण ऋषि जब उससे नाराज होंगे तब वह पराजित होगा। और इतना कहने पर इंद्र क्या किए कि सारे देवताओं को लेकर के स्वर्ग को छोड़ करके जहां तहां भाग गए। जब बलि महाराज स्वर्ग में गए तो देखे कि इंद्र का जो आसन है अमरावतीपुरी वो बिल्कुल खाली है, और वहां जाकर के इंद्र के आसन पर वो बैठ गए। लेकिन शुक्राचार्य जी विचार किए कि इंद्र के पद पर बलि बैठ गया जरूर है, लेकिन नियमतः वह इंद्र के अधिकारी नहीं है। इंद्र वही बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो इसे यज्ञ कराना चाहिए। अब शुक्राचार्य जी यज्ञ कराना चालू कर दिए, एक यज्ञ दो यज्ञ करते करते 99 यज्ञ कर चुका था, अब 100वां यज्ञ हो रहा है। और इधर क्या हुआ कि देवताओं की जो माता है अदिति, वो उदास अवस्था में कश्यप जी के पास पहुंची। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो इस प्रकार अदिति माता गई भगवान कश्यप के पास। कश्यप जी पूछते हैं, तुम ठीक हो? लेकिन वो कहते कि मैं उदास हूँ। पूछते हैं कि उदासी का कारण क्या है, क्यों तुम आखिर उदास हो, सभी लोग ठीक है ना? तब कहते हैं कि मैं क्या बताऊं प्रभु, मेरा बेटा इस समय यहाँ नहीं है। कश्यप जी कहे, कहाँ है, स्वर्ग में इस समय कौन है? तो कहते हैं कि स्वर्ग में इस समय बलि है, मेरे बेटा को आप किसी तरह स्वर्ग दिलवा दीजिए। तब कश्यप जी कहे कि अगर वास्तव में तुम स्वर्ग अपने पुत्र के लिए चाहती हो तो कोई इस समय दिलवा नहीं सकता है, भगवान ही कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, तुम भगवान की आराधना करो। तो एक व्रत बताए जिसका नाम है पयो व्रत। कश्यप जी कहे कि 12 दिन का व्रत है, इस व्रत को अगर कोई प्रेम से करता है तो व्रत करने से भगवान की कृपा से उस माता को पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि देखो, फाल्गुन अमावस्या के दिन जंगली सुअर का मिट्टी ला करके और नदी के किनारे जा करके उस मिट्टी को अपने शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए, और फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक व्रत करना चाहिए। व्रत का नियम यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गाय के दूध का सेवन करना चाहिए, भगवान की आराधना भक्ति पूजा इस प्रकार करते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए, और नित्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन एक ब्राह्मण को अथवा दो ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए, रोज दक्षिणा देना चाहिए उनको। और इस तरह 12 दिन व्रत करने के बाद में अंतिम में
भंडारा करना चाहिए, सबको खिलाना पिलाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होकर के पुत्र की प्राप्ति कराएगा। और उस समय झूठ आदि नहीं बोलना चाहिए। तो इतना कहे जब कश्यप जी, तो माता अदिति 12 दिन वाला व्रत की, समय अनुसार माता के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान वामन का जन्म होता है। वामन भगवान जब जन्म लिए तो उस समय उनका उपनयन संस्कार कराया गया और यज्ञोपवीत बृहस्पति जी ने किया, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृग चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा उनको दंड दिए, माता अदिति उनको कौपिन पहनाई और आकाश के देवता उनको छत्र दिए, ब्रह्मा जी ने कवंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुश, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी और इसके बाद में यक्षराज कुबेर उनको एक भिक्षा का बर्तन दिए, पात्र दिए और सबसे पहले उसमें दक्षिणा सती जी दी, माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी उसमें दक्षिणा दी, दान दी। बलि महाराज के यहाँ वामन भगवान जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वामन भगवान को दक्षिणा माता अन्नपूर्णा दी। इसके बाद में वामन भगवान वामन बनकर कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। अब वामन रूप में भगवान स्वयं बलि महाराज के यहाँ जाते हैं और जब बलि महाराज के यहाँ वो गए भगवान, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान को देख करके भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बलि महाराज तुरंत आसन से खड़े हो गए और आसन से खड़े होकर के उनके चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप मांगिए, आपको देखने से लग रहा है कि आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, क्या चाहिए। भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे कि यद यद आप जो जो मांगेंगे, यद यद वटो वा छंसित प्रतीक्षा में, आप जो चाहेंगे वो मैं दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ लेना चाहते हैं, क्या नगर लेंगे, आप विवाह करना चाहते हैं, मैं राजा हूँ आपका विवाह करा दूंगा, दक्षिणा में धन बहुत दे दूंगा। तब भगवान मुस्कुराते हुए वामन रूप में कहते हैं कि राजा का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, आप जब देने की बात कह रहे हैं तो आप हमको 3 पग भूमि दे दीजिए। इतना सुन करके बलि बहुत जोर से हंसे और हंसते हुए कहे कि बोलने में तो आप बूढ़ा जैसा बोल रहे हो लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख, तुम हमारे जैसे व्यक्ति को प्रसन्न कर लिया है। माम चोभी समाराध्या लोका नाम एक ईश्वरम, मैं सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर हूँ और मुझे तुम प्रसन्न करके केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। मैं लोक के लोक दे सकता हूँ, नगर के नगर दे सकता हूँ। इतना सुन करके भगवान हंसने लगे और कहे कि अभी पता चलेगा कि तुम मुझको क्या दे सकते हो। भगवान कहे कि नहीं नहीं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। इतना कहने पर फिर 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हुए, उसी समय शुक्राचार्य जी आकर के रोकते हैं, कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम जिसको देना चाहते हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये अव्यय भगवान है, तुम इसको नहीं दे सकते हो, तुम मना कर दो कि नहीं दूंगा। अपने गुरु के बात सुन करके बलि महाराज कहे कि नहीं नहीं, मैं अवश्य ही दूंगा, मैं झूठ बोलूं क्या। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ जगह झूठ बोला जा सकता है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नास्यात जुगोपसितो, अपने स्त्री से झूठ बोलना दोष नहीं माना जाता है, सीख लीजिएगा पुरुष लोग। स्त्री से हमेशा साँच नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सारा पैसा ले लेगी, आपको रोड पर बहन देगी, कहेंगे कि तो बड़ा गड़बड़ प्रवचन आप कर रहे हैं, हम लोग को भोजन नहीं दिलवाएंगे क्या यार। तो झूठ बोलने का तरीका मैं सिखा देता हूँ, कैसे झूठ बोलना है, ठीक है ना, तरीका बता दूं कि रहने दूं, बताऊं, जरूरी है माता जी बता दूं, हाँ देखिएगा फिर। इसमें तरीका ये है, कोई कहेगा ना कि हम पत्नी से झूठ बोलेंगे तो हमको तो भोजन नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना,
लेकिन नहीं ऐसे बोलना है कि अगर पत्नी कहे कि स्वामी जी आप बाजार में जा रहे हैं तो कहे हाँ हाँ बाजार जा रहा हूँ। तो देखिए इस समय मार्केट में बहुत सुंदर साड़ी आया है और उसको आप जरूर खरीद कर लाइएगा, सबसे महंगी साड़ी लाइएगा। तो वो कहती है कि साड़ी लाइए तो आप कहिए हाँ देखो मैं बहुत पैसा लिया हूँ, जो सबसे कीमती होगा वहीं लाऊंगा, और इतना कह करके चल देना चाहिए। अब उस दिन पत्नी बहुत सुंदर प्रसाद बना करके रखेगी कि हमारे स्वामी जी बहुत सुंदर साड़ी लाए, और आप बाजार में जाइए साड़ी दिखाई दे रहा है लेकिन बिल्कुल खरीदना नहीं है, नहीं कि खरीद लीजिएगा, खरीदना नहीं है, और घर चुपचाप आ जाइए। और पत्नी कहे कि साड़ी लाए हैं प्रसाद तो बन ही गया है, अब वो तो खाने को मिलेगा ही। और जब वो पूछे साड़ी ला दिए तो कहना चाहिए अरे देवी मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल भूल गया, तुम देख नहीं रही हो मेरे जेब में मेरे पॉकेट में पैसा था लेकिन मैं भूल गया, मैं क्या करूं, ठीक है कल मैं लाऊंगा। तो कल भी आपके लिए आइटम बनकर तैयार रहेगा, और कल भी नहीं लाना, इसी तरह करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसको निंदा नहीं किया गया है, अपने पत्नी से पूरा पूरा सही नहीं बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ छिपा करके रखना चाहिए। दूसरा झूठ लड़की के विवाह में, अगर किसी लड़की का विवाह करना है तो जहाँ विवाह करने के लिए जाइए वहाँ कहिए कि अरे वो लड़की बहुत तेज है, फर्स्ट डिवीजन से पास कर दी, भले वो मैट्रिक में फेल कर गई हो लेकिन विवाह करते समय तो उसको फर्स्ट करा ही दीजिए। या गाय के रक्षा के समय अगर झूठ बोलना हो, प्राण संकट में है, या धन वृद्धि व्यापार में, बिजनेस व्यापार में भी झूठ चलता है। सच बोलेंगे तो थोड़े फायदा होगा, कोई सामान आप बेच रहे हैं तो 10 रुपया का सामान है तो कहना जी करिए अरे मैं मार्केट से 12 रुपया में 15 रुपया में खरीद करके लाया हूँ तो 2 रुपया फायदा ले रहा हूँ, ऐसे बोलना चाहिए, कुछ फायदा कमाना चाहिए। तो ये सब निंदनीय नहीं है, लेकिन भगवान के सामने झूठ बोलने के लिए कहे तो बलि महाराज तैयार नहीं हुए, कहे कि नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। और जो ही संकल्प किए देने के लिए भगवान एक पैर में पृथ्वी, दूसरे पैर में ऊपर के लोग सब नाप लिए, तीसरा पैर के लिए जगह ही नहीं था, भगवान बलि को बांध लिए, कहे कि अरे झूठा तो 3 पग भूमि भी नहीं दे पाया। बलि कहे कि नहीं नहीं भगवान मैं 3 नहीं मैं 6 पैर भूमि दूंगा, धन से धनवान का कीमत दूना होता है, मेरा धन 2 पैर के बराबर था, 4 पैर मेरा शरीर है, आप हमारे सिर के ऊपर पैर रखिए और मुझको ले लीजिए, अपने आप को भगवान को दे दिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं और उस बलि महाराज को अंत में विंध्यावली ब्रह्मा आदि प्रहलाद आदि आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप तो बलि को बांधे हैं, बेचारा सब कुछ दिया भी इसको क्यों बांध दिए। भगवान कहे मैं नहीं बांधा हूँ, मुझको ये खुद बांध दिया है, मैं इसके बंधन में हो गया हूँ। और इस प्रकार उस बार तो इंद्र को राजा बना दिए भगवान, स्वर्ग के राजा, और कहे कि बलि तुम इस समय सुतर लोग चले जाओ, इस मनवंतर के बाद तुम राजा बनोगे, इंद्र पद पर आसीन होगे। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, आगे चल करके नवम स्कंद की कथा आती है। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में बहुत राजा हुए हैं, ब्रह्मा भगवान, भगवान के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के वंश में ही आगे चलकर के नभग, नभग के नभाग, नभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के मंधाता, मंधाता के पुत्र में ही आगे जाकर के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहु, बाहु के वंश में ही सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के आयुष्मान, आयुष्मान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया। और उसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ खडवांग, खडवांग के पुत्र हुए रघु, रघु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के उसी वंश में खडवांग महाराज के ही संतान के रूप में आगे चल करके अज हुए, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के 3 पत्नियां थी,
और तीनों के द्वारा कोई संतान नहीं हो रहा था। एक दिन राजा बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के राजा क्या करते हैं कि दुखी अवस्था में अपने गुरु के पास में जाते हैं। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागे करे विनय विशाला। अपने गुरु के चरण पकड़ कर रोने लगे। तब गुरु महाराज कहे कि तुम चिंता मत करो, अवश्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे, एक नहीं तुम्हारे चार पुत्र होंगे, निश्चित रूप से तुम्हारे सुंदर पुत्र होंगे। वो ऋषि श्रृंगी के पास वशिष्ठ जी जाकर के ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करवाए और यज्ञ करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। यज्ञ हुआ, यज्ञ होने से अग्निदेव खीर लेकर के आए, उस खीर को आधा माता कौशल्या को दिया गया, आधा जो खीर था उसको दो भाग में बांटा गया और एक भाग माता कैकेयी को दिया गया, जो शेष खीर था उसको दो भाग करके सुमित्रा जी को दिया गया। तो इस प्रकार तीनों रानियों के सुंदर गर्भ हुआ और गर्भ होने के बाद में यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर स्थित सुख भारी। और भगवान का जब जन्म हुआ उस दिन चैत्र का महीना था, मध्य दिवस अति शीत न घामा, उस समय धूप था न ठंडा, अनुकूल वातावरण था, उसी समय भगवान जन्म लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित मुनि मनहारी। सभी लोग आइए, लोचन तनु घन श्यामा निज आयुध भोज चा भूषण बन माला नयन विशाला कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि कर बधाई। आप लोग गाइएगा और जो नाच सकते हैं नाचिए, नहीं तो कम से कम गाइए।
अगर इसका नाचने का करना है तो एक स्पेस किनारे लगाकर हां आप समझे भगवान का जन्म हुआ है जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन बिरी
फूल पर तावे सुर सैया मधने बादे मधैया फूल पर तावे वेद मंत्र मुनि बृंद पढ़ते हैं वेद मंत्र मुनि गलिए न गलिए न जन्म हुआ। अब कृष्ण का जन्म कराना है, मैं राम कथा कहूं कि कृष्ण कथा कहूं, समझ में नहीं आता। देखिए राम कथा एक अलग कथा है, ये 9 दिन की कथा है, लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रसंग है इसलिए इसको कहना पड़ता है। तो भगवान जन्म लिए और जन्म लेने के बाद में कछु के काल बीते, सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई, परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारु सुखमारा, भोजन करत जब बोलन राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, धूसर धूरी भवे तनुआई, भियत विपसी गोद बैठाई, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाजी चले किल कत मुख ओदन मुख दधि लपटा। तो इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी आते हैं और विश्वामित्र जी आकर के दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं। दशरथ को अच्छा नहीं लगा लेकिन देना पड़ा। अंत में वशिष्ठ जी कहे कि दीजिए, और अब भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया। भगवान पूछते हैं कौन है गुरुवर? कहते हैं गौतम नारी साप बसा उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। तो भगवान चरण रज दिए, उसका उद्धार हुआ। वो गौतम जी की स्त्री थी जिसका नाम था अहल्या, वो भगवान के चरण प्राप्त करके वो अपने पति लोक में चली गई। इसके बाद में भगवान आगे गए। अब संक्षेप में मैं राम कथा कर देता हूँ। फिर जनकपुरी में गए, वहाँ स्वयंवर हुआ था। भगवान राम देखते देखते उस धनुष को उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाए, धनुष को तोड़े। भगवान राम के साथ में सीता जी का विवाह हुआ, भरत जी के साथ में मांडवी का, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला जी का, शत्रुघ्न के साथ में श्रुति कीर्ति का। फिर लौट करके अयोध्या आए, भगवान को राजा बनाना चाहते थे दशरथ जी, लेकिन देवताओं को अच्छा लगा ना। उस समय देवता लोग सरस्वती के पास में गए, सरस्वती जी मंथरा के बुद्धि को भ्रमित की, मंथरा करके कैकेयी के बुद्धि को भ्रमित करती है। जहाँ भगवान को राजा होना चाहिए वहाँ भगवान को वनवास मिला। कैकेयी कहती है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, हम चाहती है कि राम 14 बरस तक अयोध्या से बाहर जाए। और अंत में अब दशरथ जी बेचारे क्या करे, नहीं चाहते हुए भी उनको भेजना पड़ा। और भगवान 14 बरस के लिए जंगल गए। जब जंगल में जा रहे हैं, गंगा का किनारा पड़ता है, वहाँ पार करना चाहते हैं, केवट से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, केवट नौका नहीं लाना चाह बैठाना चाह रहा है, कहता है कि नहीं मैं आपको अपने नौका में नहीं बैठाऊँगा, मांग नाव न केवट आना, कह रहा है कि मैं बिल्कुल नाव नहीं लाऊँगा, क्योंकि कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ। भगवान कहे क्या जानते हो? तो मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा चरण जो है ना, जिसको छूता है वो स्त्री बन जाता है, तो मैं एक ही स्त्री से परेशान हूँ, कहीं तुम्हारा चरण मेरे इस नौका पर पड़ जाएगा तो लंबी स्त्री हो जाएगी, कहाँ से मैं मेंटेनेंस करूँगा।
इसलिए मैं नहीं बैठाऊंगा। सुनि केवट के अटपटा, बाणी को सुनकर के भगवान हंस रहे हैं, कहते अरे भैया जल्दी हमको पार करा दो ना। कहता कि नहीं। तो भगवान का कैसे पार कराओगे? तो कहता कि मैं आपका चरण धोना चाहता हूँ, पहले चरण की परीक्षा लूंगा, एक छोटा सा काठ का कठौता लाता हूँ, उसमें चरण को धोऊंगा। अगर अगर वो स्त्री बनाएगा भी तो एक छोटी सी लड़की बनेगी, उसको तो मैं देख लूंगा, लेकिन कहीं नौका स्त्री हो गई तो कैसे कल्याण होगा। भगवान अपने चरण दिए। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या भगवान उस नदी को पार नहीं हो सकते हैं? लेकिन भगवान अपने भक्त के महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। जा सुना हम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान के नाम को लेकर के व्यक्ति इस भव सागर को पार कर जाता है, वो भगवान आज केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। केवट क्या किया कि भगवान के चरण धोया, उस जल को अपने पान किया, अपने परिवार को पिलाया, अपने पूर्वज को भगवान के लोक भेजा और इसके बाद में पार किया। फिर भगवान आगे बढ़ते हुए चित्रकूट आदि में गए, वहाँ भरत जी आए, बहुत प्रयास किए मनाने का, लेकिन भगवान भरत को प्रेम के साथ में लौटा दिए। फिर पंचवटी गए, वहाँ से सीता का हरण किया दुष्ट रावण। सीता की खोज करते हुए भगवान लंका में गए, रावण का वध किए, माता जानकी को लौटा करके लाए, अयोध्या के राजा बने। समयानुसार चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। और इस प्रकार अति संक्षेप में मैं राम कथा को संक्षेप करता हूँ। अब हम कृष्ण कथा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कराना है। आगे चल करके चंद्रवंश का वर्णन करते हुए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि जी, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के लड़के हुए पुरुर्वा, पुरुर्वा के पुत्र हुए नहुष, नहुष के लड़के जजाति, और जजाति महाराज के पुत्र हुए जदु महाराज। और जदु महाराज के ही वंश में एक राजा माने उनके पुत्र हुए जिनका नाम हुआ देवमीढ़। देवमीढ़ दो विवाह किए थे, एक क्षत्रिय कुल के लड़की से और दूसरे वैश्य कुल के लड़की से। तो जो क्षत्रिय कुल के लड़की थी उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था सूर्यसेन, और जो वैश्य कुल के थी उससे जो पुत्र हुए उनके लड़के हुए परजन्य जी। जो सूर्यसेन थे उनके पुत्र हुए वसुदेव, और जो परजन्य थे उनके पुत्र हुए नंद जी। तो इस प्रकार दोनों भाई लगते थे। एक बार की बात है, पृथ्वी दुखी हो गई, और पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के शरण में जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, भगवान को हम लोग प्रकट कराएंगे। तो सभी लोग जाकर के क्षीर समुद्र के तट पर प्रार्थना किए, और जब प्रार्थना किए तो प्रार्थना करने से एक शब्द सुनाई दिया, और शब्द सुनाई दिया ये कि मैं अवतार लूँगा। ये शब्द केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। ब्रह्मा जी सबको आदेश दिए कि आप लोग ब्रज में जहाँ तहाँ जन्म लेना। इधर क्या होता है कि जो देवकी जी हैं वो कंस की बहन है, कंस के चाचा की लड़की है। तो देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ में होता है, और कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है कि वो स्वयं देवकी को रथ में बैठा करके ले जा रहा था। वसुदेव जी भी साथ में बैठे हुए हैं और ले करके जा रहा था। उस समय जब ले करके जा रहा था तो आकाशवाणी यह हुई कि अरे कंस, तुम जिस देवकी को लेकर के जा रहे हो उसी का अथवा संतान तुम्हारा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस इतना दुष्ट स्वभाव का है कि इत्युक्त सखल पापो भोजा नाम कुल पांसन भगनिम हन तुमारब्ध। अपने बहन को मारने के लिए वो क्या किया कि खड़ग पाड़ी कचेग रही,
अपने बहन के कच्छ, कच्छ उस बाल को कहते जो विवाह के समय अनेक प्रकार के सुगंधित तेलों से सजाया जाता है, तेल से, अभी वो बाल धोया नहीं गया था, ऐसे पवित्र बाल को वो दुष्ट पकड़ लिया। सच पूछिए तो अगर कोई क्रोध में किसी स्त्री के बाल को कोई पकड़ता है तो उसका उम्र समाप्त हो जाता है। किसी भी कन्या, किसी भी स्त्री के बाल को पकड़ना नहीं चाहिए क्रोध में। अगर प्रेम के साथ में कोई स्पर्श कर रहा है वो बात अलग है, तो उसका उम्र खत्म हो गया। वसुदेव जी विचार करते हैं, विचार करते हुए कहते हैं कि मेरा विवाह हुआ है अभी अभी देवकी के साथ में, अगर मैं अपने पत्नी का रक्षा नहीं करूंगा तो किस प्रकार का पति? पति का मतलब ही होता है पत्नी का भरण पोषण रक्षा करना, पातिति इति पति, जो पत्नी का सम्यक प्रकार से पालन कर सके, पोषण कर सके, उसी को पति कहते हैं और उसे ही पति बनने का अधिकार है। तो वसुदेव जी विचार किए कि इस समय किसी तरह इस संकट को टालना चाहिए, तो कंस को समझाते हुए कहे कि आप देवकी को क्यों मारना चाहते हो? देखो, जिस देवकी को मारना चाहते हो उससे तो तुमको भय है नहीं ना, उसके संतान से भय है, मैं उसके बच्चों को ला करके दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना सुनकर के कंस छोड़ दिया और समयानुसार माता देवकी के गर्भ से बहुत सुंदर 6 बालक क्रमशः जन्म लिए। सबसे पहले कीर्तिमान का जन्म हुआ, उसको ला करके दिए। वो जब ही देखा बच्चा को तो सोचने लगा कि इससे तो हमको भय है नहीं, हमको तो 8वां संतान से भय है, उसको छोड़ दिया। उसी समय नारद जी आकर के पहेली बुझाए, एक फूल लेकर के आए कमल का, और कहे कि देखो देवताओं की भाषा अलग होती है, जिसको तुम 8वां मान रहे हो वो भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। तो इस तरह के बात सुनकर के वह पुनः बालक को बुलाया और उसका वध किया। 1 साल के बाद दूसरा बालक हुआ, उसका वध किया, 3रा 4था 5वां 6वां। इसके बाद में अब भगवान क्या किए कि 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शंकरसर आए हुए थे, उस को बचाने के लिए स्वयं भगवान जोग माया को भेजे और जोग माया से कहे कि जोग माया तुम जाओ और जा करके तुम देवकी के गर्भ से बच्चा को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। भगवान के कहने से जोग माया आई और आ करके 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दी। वसुदेव जी के 17 पत्नियां हैं, जिसमें एक पत्नी रोहिणी जी हैं, सबसे छोटी पत्नी है देवकी जी। तो इस प्रकार था, ध्यान दीजिए आप लोग, कथा बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कथा हो रही है। तब हुआ क्या कि जोग माया आती है और आकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है, माता देवकी के गर्भ से निकाल करके। भगवान उसको कहे कि तुम 14 नाम से प्रसिद्ध होगी, तुम्हारा ही नाम दुर्गा भद्र काली विजया वैष्णवी कात्यायनी ईशानी शारदा अंबिका, ये सब नाम होगा, और जाओ इस काम को करो, तुम यशोदा के यहाँ जन्म लेना। तो ठीक जैसे भगवान कहे वैसे की, और भगवान 8वें गर्भ के रूप में स्वयं माता देवकी के गर्भ में आए। उस समय देवता लोग भगवान की स्तुति किए और समयानुसार भगवान अष्टमी तिथि के दिन, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, उस दिन भगवान जन्म लेते हैं। रात्रि का समय, तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, उस समय भगवान बहुत सुंदर बालक के रूप में जन्म लिए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब है। देवकी के यहाँ जब जन्म लिए जेल में, तो उस समय सारे पहरेदार सो गए थे जोग माया के प्रभाव से, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब देवकी और वसुदेव घबराए हुए थे, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, बोलाइए देवकी वसुदेव जी। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल के लिए चल रहे हैं, जा रहे हैं, वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं, भगवान को लेकर जा रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम
देखिए भगवान का जन्म हुआ और भगवान को वसुदेव जी लेकर के कहां गए गोकुल में। और गोकुल में जब जन्म हुआ तो नंद बाबा बड़ा प्रसन्न हुए। नंदस त्वात्मज उत्पन्न जाता राधो महामना महामना। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि अब वहां पर बधाई गाया जा रहा है। अरे लाला जन्म सुनियाई जसोदा मैया दे दो बधाई। चाहिए
सबको खुशी है कि नहीं? खुशी है ना भगवान के जन्म में? अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना इधर दे दीजिए मेरे पास लो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी देखो 60 साल के बूढ़े देखो सभी लोग हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो, 60 साल के हो गए आज जवान। भजन गाता हूँ, अब आप लोग सब बैठ जाइए, सभी लोग बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए अपने अपने जगह। सुनिए, भगवान का जन्म हुआ है और भगवान जब जन्म लिए तो सभी लोग खुश हैं। और उस समय हुआ क्या बच्चों? सभी लोग अब आप लोग माता जी सुनिए, सुनिए कथा सुनिए अभी थोड़ा। देखो कहीं भगवान कितने शांत हैं, बिल्कुल आप लोग भी शांत रहिए। और शांत में क्यों नाचना है? ब्रज में ध्यान दीजिए, ये भजन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा शब्द। और फिर इसके बाद में जो नाचना है एक दो लोग नाचिए जिसको नाचने आता है, नहीं तो बैठ करके भी नाच सकते हैं। ताली बजाइए और बैठ करके गाइए नाचिए। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज पीछे से गाइए, देखिए मैं ऐसा भजन गा रहा हूँ कि सभी लोग गा सकते हैं। लेकिन कब गा सकते हैं? जब मेरे शब्द को सुनेंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक नहीं गा पाएंगे। तब पहले सुनिए कि मैं क्या गा रहा हूँ, इसके बाद पीछे से गाइए आप लोग। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
लाला जायो है ब्रज में, लाला जायो है ब्रज में, लाला जायो है, हाँ लाला जायो आज सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान सुख सब आज पायो है, ब्रज में है रह गए ब्रज में चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी, ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी सबही कहे धन्य यशोदा मैया, सबही कहे अति साल की आयो में सुख ऐसो जायो है, अति साल की आयो में सुख ऐसो जायो है, ब्रज में हर जय जयता नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हर बरस 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है, सुत ऐसो जायो है, ब्रज में जय जयकार नंद घर। अब उस समय क्या हुआ कि बड़े बड़े शिव सन का दिख आए, ब्रह्मा शिव सन का दिख आए, ब्रह्मा शिव सन सिद्धि मोहन सब देव सिधारे, सिद्धि मोहन सब हरे ग्वालन के रूप सब ही मिल मंगल गायो है, हरे ग्वालन के रूप सब ही मिल मंगल गायो, ब्रज में है रह जय जयकार नंद घर, ब्रज में सारद शिष्य सकही
भयो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जसोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की देखिया में नंद घर लाला हुआ चली देखिया में नंद घर गोपियां कह रही है अरे सखी पता है नंद के घर लाला हुआ है जब गोपियों के कान में आवाज गई अरे अरे सखी पता है अरे चली देखिया में नंद घर लाला हुआ चले देख चले देख नंद घर लाला हुआ चले देख नंद घर लाला हुआ उजाला हुआ यदु बंसियों के कुल का उजाला हुआ जदु बंसियों के कुल का चली देखिया में नंद घर लाला हुआ चली सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सखी ब्रज के सब ग्वाल भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल भैया गर्दन में डाल दे के आज नंद के नसीबा उजाला हुआ आज नंद के नसीबा चले देख आवे नंद घर लाला शंख बजाइए बाबा बाजे शंख घड़ियाल नंद लियो नंद लाल बाजे शंख घड़ी जन्म लियो नंद जो मैं अंगना में पालना जो मैं
के काज आज ब्रज में महाराज करने भस्तु जुड़ा सारा समाज। उस समय सारा समाज आ गया, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, समाज करो दर्शन सब। सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ सुख नैनों को सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ सुख नैनों को पहुंचाने। चली देख मैं नंद घर दादा हुआ अरे सखी देखो थोड़ा गोकुल की ओर दृष्टि डालो, देखो गोकुल की ओर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल बोले पंछी मन मोर, बोले पंछी मन मोर मानो बादल की ओर, बोले की बरसाने वाला हुआ बुंद आनंद को बरसा। चले देख मैं नंद घर लाला हुआ, चले देख मैं नंद जदू बंसियों से कुल का उजाला हुआ, जदू बंसियों से कुल का। चले देख मैं नंद घर ठीक है। बहुत भजन हो गया, अब हम लोग आरती करें। ठीक है, कितने सुंदर हमारे कान्हा जी हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दीजिए उसको इधर और लीजिए इसका फोटो। इसको अब लीजिए, जितना जिसको फोटो लेना है। अरे हाँ लीजिए लीजिए। देखो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। अब आरती कर, अब आरती आप लोग कीजिए, थाली लेकर आइए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सुफल कर लीजे, अपना जन्म सुफल कर लीजे, यश प्रिय सुधा के परम दुलालो, प्रिय सुधा बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन, गोपिन के प्राण सुख
लाला की, नंद के लाल की, यशोदा लाल की, देवकी लाल की, आज की आनंद की, भागवत सप्ताह महा महोत्सव की, हरे कृष्ण। ठीक है, कल के लिए, हम कल के लिए। हरे कृष्णा, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं तो बिल्कुल भूल गया था जन्म में। हरे कृष्णा, सभी लोग ध्यान देकर थोड़ा बैठ जाइए, आप लोग सभी लोग बैठ जाइए ना, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी, प्रसाद पर्याप्त है, बहुत मिलेगा आप लोगों को, घबराइए मत। थोड़ा सा दो मिनट के लिए बैठ जाइए, केवल दो मिनट, इसके बाद सबको प्रसाद मिलेगा, बहुत सुंदर प्रसाद है, माता जी आरती रख लेंगे। अब सुनिए ध्यान से, मेरे बात को ध्यान देकर के सुनिए। हरे कृष्णा, देखिए आप कोई बोलिए देन मेरे बात को थोड़ा सुन लीजिए, दो मिनट के अंदर मैं बोलूंगा। अब रहने आरती मत कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, सब बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, पहले ये बताइए आप लोग कि कथा कैसी लग रही है, पहले बताइए आप सब। तो अति उत्तम है तो उसको और अति उत्तम बनाना है, तो कैसे बनेगा, कल गोवर्धन पूजा है, सभी लोग ध्यान दीजिए, कल भगवान माखन चोरी करेंगे और इसके बाद में भगवान, आरती बंद करा दीजिए ना थोड़ा, ये लोग सुन नहीं रहे ना आरती के चक्कर, सुनिए ध्यान से मेरे बात को। कल गिरिराज पूजा है और जानते हैं गिरिराज कोई साधारण भगवान नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि आज भी वही गिरिराज जी हैं जिसको भगवान अपने कनिष्ठ अंगुली पर धारण किए थे, जो ब्रज में गए हैं वो देखे हैं, जो नहीं गए हैं वो कल देखेंगे, यहाँ पर उसी गिरिराज जी को हमें यहाँ ला करके स्थापित करेंगे। आपको ध्यान देना होगा, जो व्यक्ति मन लगा करके गिरिराज जी की पूजा करता है, परिक्रमा करता है, उनको कुछ भेंट देता है, चढ़ाता है, तो डायरेक्ट भगवान कृपा करते हैं। एक बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कितने बार प्रैक्टिकल किया हूँ गिरिराज जी का, कितने बार, साक्षात देवता हैं, भगवान देवता माने भगवान समझिएगा, तो उसी गिरिराज की कल पूजा होगी, तो उसकी कुछ विधि है जिसको हम लोग बताते हैं। विधि यह है कि गिरिराज जी के लिए सभी माताएं जितनी आ रही हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने अपने घर से, सबसे उत्तम तो ये है कि अपने घर से प्रसाद बनाइएगा, दुकान का सामान मत खरीद करके ला दीजिएगा, और नहीं एकदम आपको पूर्ण विश्वास है कि दुकान वाला बिल्कुल सही शुद्ध बनाता है तब तो बात अलग है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि दुकान वाले इतना शुद्ध बनाते होंगे, है कि नहीं। तो क्या कीजिए कि कोई अपने घर में पुआ बनाइए, कोई माल पुआ बनाइए, कोई अगर बना सकता है तो दोनों बनाइए, कोई पकौड़ा बनाइए, कोई खूब सुंदर दिव्य कोई बोल रहा है, लग रहा है, देखिए कोई खूब सुंदर कढ़ी बनाइए, कढ़ी माता जी एक दिन बनाई थी, बहुत सुंदर कढ़ी बना था, वैसा कढ़ी बनाइए, बहुत सुंदर कढ़ी बना था, तो ऐसे कढ़ी बनाइए, कुछ चावल मतलब पुलाव जैसा होता है, स्पेशल चावल बनाना है, ये नहीं कि लोकल स्पेशल भगवान के लिए बनाना है, थोड़ा थोड़ा, और बना करके लाइए कल यहाँ भोग लगे ठाकुर जी के सामने, खूब सुंदर 64 प्रकार का जो 56 प्रकार का जो पकवान होता है, सुंदर सुंदर मिठाई, सुंदर सुंदर सब लाइए और भगवान को देने के लिए, जिसकी जो श्रद्धा है कोई, ये हम लोग लालच बस ये सब नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतना देने वाले हैं वृंदावन में कि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, ब्रज में देने वाले लाखों लोग जाते हैं, वहाँ कमी नहीं है,
लेकिन हम लोग क्यों बताते हैं किसी को कि आपका धन सार्थक हो जाए, आपका धन पवित्र हो जाए, आपका धन शुद्ध हो जाए। तो इसलिए जिसका जो श्रद्धा है अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान को देना चाहिए। प्रसाद बनाइए, भगवान के लिए कुछ स्पेशल वस्तु ला करके, जो भी रुपया द्रव्य जो भी देना हो तो सब करना चाहिए। और कल गिरिराज पूजा है, स्पेशल पूजा है। जो व्यक्ति गिरिराज जी के परिक्रमा करता है, गिरिराज जी के सात कोष की परिक्रमा को करता है, हम मानसिक रूप से हम परिक्रमा करवाएंगे आप लोगों का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी व्यवस्था करें कि बाद में आप लोग उसका परिक्रमा भी कर सकें। हम लोग आज विचार करेंगे कैसे करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान के दिव्य लीला का श्रवण कीजिए। कल का प्रोग्राम यह है कि गिरिराज पूजा, और परसों दिन रुक्मिणी विवाह कराएंगे, सुंदर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा, और इसके बाद अंतिम दिन के कथा में सुदामा चरित्र। तो ये सब हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। प्रभु कुछ बोलना था, मैं बीच में बोलने लगा। हरे कृष्णा। तो मुझे ये हृदय से अनुभूति हो रही है कि आप सबको बहुत आनंद आ रहा होगा। अगर आनंद आ रहा जोर से हरि बोल बोलिए। इस हरि बोल से पता चल गया सबको बहुत आनंद आ रहा है। अब ये आज आपने एक छोटी सी लीला देखी, ये लीला कैसी लगी? वसुदेव आए और ये प्रभु जी ने सजेशन दिया था कुछ ऐसा करना है। ये जो है धाम सेवकदास प्रभु जी हैं, ये उनकी छोटी पुत्री है, और दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छा किया। इसके लिए एक बार धाम सेवक और बच्चे के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलिए। इसके अलावा कल से कुछ आप देखने वाले गोवर्धन पूजा, रुक्मणी विवाह, सुदाम, ये सब लीलाएं होंगी, यहाँ पे साथ किया जाएगा। उसके लिए सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरा पूरा ऐसा कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये चल रही है कि आप सब लोगों को बहुत आनंद आए। तो जितने लोग आज तक मिस कर दिए हैं उन सब तक आगे की तरह बात फैला दीजिए कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। गोवर्धन परिक्रमा, वहां जाना, यहां से अगर वृंदावन जाना है, गोवर्धन जाना है, तो 21 की और वहां जाने के लिए पहले फ्लाइट का टिकट कटाना है, फिर वहां जाकर परिक्रमा लगाना है, फिर वापस आना है, तो 3 दिन चाहिए और कम से कम 30-40 हजार रुपए चाहिए। अगर कल वो प्रभु जी यही उनको स्थापित करके हमारा परिक्रमा करा के 30-40 हजार बचा दें तो कोई गलत सौदा तो नहीं है। तो इसलिए सबको बुलाइए, क्योंकि बुलाने वाला भी बताने वाले के बराबर महान हो जाता है। इसलिए बुलाइए, यदि आप जितनों को बुला के करवा देंगे उनका कल्याण हो जाएगा। एक बार जोर हरे कृष्ण महामंत्र पूजी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए बढ़िया प्रसादम होगा, है ना, और जो है प्रभु जी आप सब लोग जो है गुरु जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये बहुत उत्तम प्रभु जी हैं, उन्हें पिछले 15 सालों से लगातार 15-16 साल हो गए कथा करते करते, देश विदेश में जाके कथा करते हैं। उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए यार, क्योंकि ऐसे उत्तम व्यक्तित्व जब आंखों के सामने हो तो हमें लगातार उनको उनको उनके आशीर्वाद को लेते देना चाहिए। प्रसाद लीजिएगा, प्रसाद खाकर देंगे सब बच्चों। सभी लोग नियमित एक 3-4 दिनों का ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम सभी आप लोगों के लिए रखा गया, अनंत नगर के निवासियों के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हिंदी में 7 दिन की साप्ताहिक कथा अनंत नगर के क्षेत्र में हो रही है। और जो है आप सबने आरती कर ली हो तो कृपया सबको आरती दे दीजिए। तो जो है उसमें आरती धाम सेवक से जो है आपने आरती वगैरह ले लिए, सभी ने अभी आरती करी होगी। और अभी सबके पास सब जगराज की जगह सबके पास आरती आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सबके पास आरती आने वाला है। सब लोग अपना आरती लीजिए आराम से। तो ये जो 3-4 दिन का प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ जितने लोगों के कानों तक पहुँचा सकते हैं, इस 3-4 दिन के प्रोग्राम को पहुँचा दीजिए।
और मुझे पता है कल से सोमवार शुरू हो जाएगा फिर से ऑफिस वगैरह शुरू होंगे, तो उन ऑफिस के लिए आप लोग कुछ कुछ, जैसे मैंने क्या किया, मैंने सुबह जल्दी काम करने लगा हूँ और शाम को मैंने कुछ बहाने बना दिए, मैंने बोल दिया कि मैं शाम को बीमार पड़ने वाला हूँ, तो कुछ ऐसे बहाने बना दीजिए, 3-4 दिन के लिए बात है। श्री कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और गौ गोविंद सेवा का आपने मान बढ़ा दिया, गौ गोविंद सेवा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आपने जो है आज बताया लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे प्रसाद मिल रहा है, मेरे कहा सब आरती हो गया, मैंने कहा सबको जो है कुछ बोलता रहूँगा।